हेलो बच्चों, जय हिंद मेरे शेर शेरनियों। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। फटाफट जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एम आई ऑडिबल टू यू गाइस और नॉट? क्या मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है या नहीं? जल्दी से, फास्ट, आवाज नहीं आ रही है, एक बार लिख के बताओ जरा। ये तो हाँ जी, जरा कमेंट में एक बार जरा लिख के बता दो फटाफट, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो आज खात्मा होना है टेंस का, जो भी दर्द है टेंस के सारे उड़ा दिए जाएंगे। पेपर में जैसा भी क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड आता है आपके, चाहे एनडीए की बात हो, सीडीएस की बात हो, या किसी भी एग्जाम में टेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, चाहे फिलर्स बने या ग्रामर का क्वेश्चन। और जैसे सपोज कीजिए, सीडीएस वाले बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्योंकि वहां पर 20 एरर्स आ जाते हैं, कभी कभी 10 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। तो आजकल तो वैसे कमी आने लगे हैं, 10 के आसपास ही रहते हैं, 10 या कभी 15 ऐसा हो जाता है। तो उसमें एक या दो क्वेश्चन टेंस से रिलेटेड जरूर रहता है, क्योंकि टेंस के साथ ही वर्ब भी जुड़ जाती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग सीधा आगे काम स्टार्ट करेंगे। टेंस के बाद वर्ब भी जुड़ जाती है, उसमें टेंस रहता है, टेंस के साथ साथ वर्ब भी जुड़ जाती है। तो टेंस वर्ब का कहीं ना कहीं एक ही जैसा कनेक्शन है, तो दोनों चीजें उसके साथ मिक्सअप होकर चलती है। और मैंने कुछ क्वेश्चन जो है उसके भी इसमें डाले हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। कमेंट बॉक्स में जरा मैं एक बार देख लूं, आवाज आ रही है? जय हिंद नेवी। अच्छा हाँ, सुबह ही आज देख लिया था मैंने ये नेवी वाला जो केस हुआ है अभी। देखिए, 10,000 बच्चों को नेवी ने बुलाने के लिए बोला है कि 10,000 बच्चों को बुलाया जाएगा, और ये वही समस्या उठी है जो नेवी की लास्ट टाइम पे भी उठी थी। अभी इस मुद्दे पे हम लोग फिर से बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं किया जा सकता। तो अभी तो जिन बच्चों का मार्क्स, मतलब मार्क्स अच्छा है, और देखिए बोलने से अभी इसमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि होना कुछ है नहीं। रीजन वही है कि इस चीज को लेकर पिछले टाइम पे भी हुआ था, उसमें भी कुछ रिजल्ट नहीं आया था। तो मेरा मानना यह है कि आप तैयारी करिए बेहतर से बेहतर, और एयरफोर्स का एग्जाम कहीं ना कहीं होगा, स्टार वैकेंसी से ही होगा आपका, और उसके लिए अपना दमखम लगा के रखिए, क्योंकि उसमें आपको समय नहीं मिलेगा। तो तैयारी को बना के रखिए, और जिनको मौका मिल रहा है उनके लिए कांग्रेचुलेशन, अपनी तैयारी को अच्छे से बनाओ। जिनकी परसेंटेज 80+ में है, ये बात कहीं ना कहीं दुखद है कि 33% वाला लड़का एनडीए दे सकता है और 33% वाला लड़का नेवी का फॉर्म नहीं फिल कर सकता। थोड़ा सा दुखदायक है, बहुत परेशान करने वाली बात है, बट स्टिल वी आर वॉरियर्स। तो हम अपनी तैयारी को रोकेंगे नहीं, तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिंदगी में निराशाएं बहुत सारी हैं, दर्द बहुत सारे हैं, तो इसीलिए परेशान मत होइएगा, ठीक है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, बाकी आपकी मैं सारी बातें सुनूंगा। अगर सर कल आपने दिल तोड़ दिया कितना टूटा भाई कल आप दिल तोड़ दिया, मतलब क्लास नहीं हुई तो दिल टूट गया यार। मैंने तो आप लोगों से बोला था क्लास लेने के लिए, लेकिन कुछ कंडीशंस हो गई थी, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ गया था। देखिए, टीचर की जिंदगी में अपनी फैमिली की भी लाइफ होती है, तो कई सर काम भी बढ़ जाते हैं सडनली, इमरजेंसी और बहुत सारे काम रहते हैं, तो कई बार सडनली नहीं हो पाता है चीजें और लेट हो जाते हैं, तो इस वजह से चीजें नहीं बन पाती हैं। तो आप समझ सकते हैं, दिल मत तोड़िए, इतना छोटा दिल नहीं है आपका कि छोटी छोटी चीजों पर ये टूट जाए, इसको मजबूत बना के रखो, टूटने नहीं देना है। दिल बन रहा है डायमंड, ये डायमंड बन गया, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाइए फटाफट सभी लोग। मैं आपके पॉइंट्स बाद में उठाऊंगा थोड़ी देर में। एसएससी को भी क्या खत्म कर लेंगे आज इसमें, बिल्कुल एसएससी का भी कोई भी एग्जाम अगर आपका रहेगा तो टेंस का आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि मैं साथ के साथ कॉन्सेप्ट्स को ही खोलते हुए चलूंगा। समझ जाइएगा कि जो क्वेश्चन आपको मिला है ना, तो आप मेरे को जानते हैं कि क्वेश्चन नहीं, मैं उसके साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट और पूरा टेंस ही खत्म कर दूंगा कि भाई अगर हमें ये टेंस मिला तो ये टेंस, ये क्वेश्चन जो है कौन से टेंस में लगता है और उस टेंस का मतलब क्या है। और कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल समझाया जाए, बाकी आप उसमें साथ दीजिएगा और बने रहिएगा, और स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। विजिबिलिटी शायद मुझे लग रहा थोड़ी कम होगी, नहीं इसमें फॉन्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बार चेक करके बताओ क्या विजिबिलिटी ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है।
हाँ भाई जरा विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, उसका कारण ही है क्योंकि शायद जो पीपीटी बनी है उसका साइज थोड़ा सा बच्चे ने छोटा कर दिया है, तो अभी मैं 5 मिनट में इसको चेंज करवा देता हूँ, ठीक है? अभी थोड़ा सा जरा समझने की कोशिश करो। चलिए भाई ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा, सेड का मतलब मुझे बताओ आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है। सुनते रहना भाई, एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सुनते रहना। सेड का मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी किसमें चली गई है, ये बातें आप लिखते रहना और समझते रहना। फैक्ट रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, पास। टीचर ने ये बात कब बोली थी, पास में। अब जनरली क्या होता है कि जो भी चीज अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए तो हम रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है यानी कि आगे का जो टेंस है उसको हम किस में लेंगे, पास्ट में लेंगे। मतलब किसी बंदे ने कोई बात 2 दिन पहले बोली तो जनरली वो जो फैक्ट बोला होगा वो पास्ट के लिए ही बोला होगा, उसी समय के लिए बोला होगा। बट अब समस्या ये है कि यहां पर जो ये लिखा है आगे, ये जो क्लॉज लिखा है ये एक ऐसा क्लॉज है जिसको आप पास्ट फॉर्मेट में नहीं डाल सकते। कारण क्या है, कारण ये है कि आपने अगर टेंस पढ़ा हो और या नहीं भी पढ़ा हो तो अब सुन लो कि जितनी भी आपकी प्रोवर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं सर एक बार बोलना, प्रोवर्ब्स होती हैं। प्रोवर्ब्स को सर हिंदी में क्या कहते हैं, कहावतें। सूक्तियां आपने सुना होगा, कोटेशंस। जितनी भी प्रोवर्ब्स होती हैं वो प्रोवर्ब्स आपकी किसमें रहती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में रहती हैं, सिंपल प्रेजेंट में। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड मुझे देना, मैं हाँ जी चलिए, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट में है तो आपका स्पीच भी किस में रहना था, पास्ट में। बट समस्या यह है, ये प्रोवर्ब है। सर आप कैसे कह रहे हो प्रोवर्ब है, तो सुन लो, अ मदर, कोई भी मदर, वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ अ चाइल्ड। कोई भी माँ जो होती है किसी भी बच्चे की, कोई भी माँ किसी भी बच्चे की पहली टीचर होती थी, आज भी होती है शायद। कहावत तो यही कहती है कि माँ किसी भी बच्चे की फर्स्ट टीचर होती है। अब जरूरी नहीं है कि पेपर में तुम बोलो संजीव सर ने ये कराया था यही आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। पेपर में क्या आ सकता है, कुछ भी प्रोवर्ब आ सकती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी हो सकता है, या ऐसा कि या और भी कुछ कह सकता है, कोई भी प्रोवर्ब आपकी आ सकती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, वॉज फॉर एवर, जैसे एयरफोर्स में आया था। तो एक्सपेक्टेशंस ये मत रखा करो कि जो आपको पढ़ा दिया है वही आएगा एज इट इज, वो तो कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया सर ने, सर ने कॉन्सेप्ट बताया कि भैया आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच किस में आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए। और इसके क्वेश्चन आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा कि मैंने ये बताया था पहले क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट बता दिया था, ये बात चाहे लिख भी सकते हो आप कि भैया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा, बट अगर वहां कोई प्रोवर्ब दी है तो वहां पास नहीं चलेगा। तो इसीलिए वॉज की जगह क्या हो जाएगा, इज मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट। कुछ बच्चे कहेंगे सर इज एम आर तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज होता है, आपकी बात बिल्कुल सही है, इज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज होता है, लेकिन वहां पर इज एम आर के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या होना चाहिए, आई एन जी, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा। बट अगर इज एम आर खुद मेन वर्ब का काम करे, जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, तो ये कौन सा टेंस है, आई एम अ स्टूडेंट, बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में, मुझे लिख के बताओ। क्योंकि जब आपने बोला कि सर पूरा खोल के करो तो फिर मैं ढंग से ही खोलूंगा उस चीज को, और आपको पता है स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन में टाइम लूंगा मैं, उसके बाद जब कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे तो आप बहुत स्पीड से भागोगे। आई एम अ स्टूडेंट, बताओ कौन सा टेंस है, सर पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा है, पूरा बोर्ड दिखाएंगे नहीं बेटा इसको थोड़ा सा, बताओ कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर एम
आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो एम हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। सर मेरी सुपर चैट ऐसे, अबे भैया सुपर चैट मत कर नालायक, पैसा अपने पास रख और जूस पीना उसका, ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले, एनर्जी मिलेगी तो मोटिवेशन मिलेगा आपको, मोटिवेशन तभी आता जब एनर्जी हो। बताओ जल्दी से एम हेल्प, एम कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हुए चलेंगे आज। एम कौन सी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब? एग्जैक्टली, नहीं 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 बेटा ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एम यहां पर क्या है, मेन वर्ब है, क्योंकि अगर तुम इसे हेल्पिंग वर्ब कहोगे तो भैया हर हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, मेन वर्ब। हर हेल्पिंग वर्ब अपने पीछे क्या लेती है, मेन वर्ब। लिख लो चाहिए कि अगर एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके पीछे क्या जरूर होगा, मेन वर्ब जरूर होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि हेल्पिंग वर्ब हो और पीछे क्या ना हो, मेन वर्ब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वहां मेन वर्ब जरूर होगी। तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहां है, ये ए तो आर्टिकल हो गया, स्टूडेंट नाउन हो गया, कहां है मेन वर्ब, मेन वर्ब है ही नहीं। इसका मतलब वही किसका काम कर रहा है, ये बी की फॉर्म है, किसकी फॉर्म है साथियों, बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म क्या क्या होती है, इज एम आर, पास्ट फॉर्म, वाज वर, और थर्ड फॉर्म बीन। जैसे गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ऐसे बी की थर्ड फॉर्म बीन। तो यहां पर समझ में गए ना आप लोग, ये इज लगने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट। चलिएगा, पहले क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो गया, अब मुझे कमेंट में लिख के बताना पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ फटाफट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ जी फोड़ दिया, चलो दूसरा क्वेश्चन, मजा आ गया गजब। चलो तो ऐसे ही मजे लेते रहो, आज उड़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर टू आपके सामने है स्क्रीन पे, आंसर बोलो फटाफट कहां गलती है। क्वेश्चन नंबर टू, अभी कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था ध्यान सुनना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो आपका रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होता है, पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगा, पास्ट में होगा। हाँ जी सर बिल्कुल दोनों पास्ट में होंगे, प्लीज यस रावत सर का क्लास स्टार्ट कीजिए, तुम्हारा दर्द दूर करता हूं, अभी परेशान करके रख दिया। इधर देखो जल्दी से, यहां पर आप देख रहे हो कि दैट के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच है, सॉरी बच्चों इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, ये मिस्टेक ये है कि यहां पर हेड था, यहां पर हेड था, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक है, ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा क्यों एरर है, पहले सुनो ध्यान से। लास्ट इवनिंग, लास्ट इवनिंग का मतलब क्या है सर, मुझे बताइए लास्ट इवनिंग का क्या मतलब है। लास्ट इवनिंग का मतलब है, सपोज करो मैं यहां प्रेजेंट में खड़ा हूं, भैया मेरी तरह पिक्चर बना लेना, मैं तो टेंस ऐसे ही क्लियर कर दूं पिक्चर से, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन मत रटो, सुनो मैं खड़ा हूं यहां पर प्रेजेंट में, ये आ गया मेरा क्या पास्ट, तो मैं प्रेजेंट में, मैंने कहा लास्ट इवनिंग, इसका मतलब लास्ट इवनिंग जो है वो मुझे क्या मिल गया, टाइम, और टाइम कहां का मिल गया, पास्ट का, और पास्ट में अगर मुझे टाइम मिल जाए, क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए, यदि आपको पास्ट में टाइम मिले तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, पास्ट इंडेफिनिट। लिख लो ये बात चाहे वहां पे, और कोई हमसे पूछे सर पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे जिस, यदि आपको पास्ट में टाइम दिया हो और वही एक्शन हो उसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। इफ यू आर गिवन टाइम इन द पास्ट एंड द एक्शन टेक्स प्लेस इन द गिवन टाइम, इट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। यदि दिए हुए टाइम में ही एक्शन हो वहीं पर, तो ये कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट, चाहे वो लास्ट इवनिंग हो, रटना नहीं है सुनो, लास्ट इवनिंग, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट, मतलब पिछली वाली शादी हुई थी उस समय, लास्ट मैरिज, कुछ भी, वॉट एवर, यस्टरडे, यस्टरडे, एगो। कई बच्चे कहते हैं सर ये एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट क्यों लगता है, हमें ये तो पता है कि एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगता है, बट ये कभी नहीं बताया कि एगो के साथ क्यों लगता है। तो सुनिएगा, प्रेजेंट से टाइम उठ के चलता है कहां को, पास्ट को,
मान लो आज कौन सा डे है, सैटरडे, आज है सैटरडे और मैंने कह दिया टू डेज एगो, तो इसका मतलब कौन से दिन की बात हो रही है, थर्सडे की, और थर्सडे कहां का टाइम है, पास्ट का, तो पास्ट का टाइम मिल गया तो कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, इतने सारे मत रटो, सिर्फ एक ही बात समझ लो कि यदि आपको पास्ट में टाइम दिया है और उसी में एक्शन हो तो कौन सा टेंस चलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब ये हुआ, लास्ट इवनिंग का मतलब है कि ये बात उसने कब बताई थी, पास्ट में, तो टेल्स का क्या हो जाएगा, टोल्ड। और जब भी अब एगो, लास्ट वीक या कोई भी पास्ट का टाइम आएगा तो मैं आपसे पूछूंगा वहां पे, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मैंने ये हेड क्यों करवाया, इसका कारण क्या था, सुनो, क्योंकि उसके मित्र ने उसे जोक कब सुनाया, लास्ट इवनिंग, और जोक ऐसा सुनाया जो उसने कभी सुना ही नहीं था। इसका मतलब जब उसने जोक सुनाया उससे पहले कभी नहीं सुना था, तो पास्ट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर क्या होना था, हेड। दोबारा सुनो, मान लो लास्ट इवनिंग आपके दोस्त ने आपको जोक सुनाया और आपने कहा भाई ऐसा जोक बताया जो उससे पहले कभी नहीं सुना था, तो जब बताया उससे पहले और बताया कब, पास्ट में, और पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो इसीलिए यहां पर क्या आना था, हैड आना था, हैव ना के क्या आना था, यहां पर हैड आना था। आगे बात समझ में, तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक मिनट जरा थोड़ा सा वेट करो। हाँ भाई अभी दिखाई दे रहा है, जरा बताओ, अभी थोड़ा सा साइज ठीक हो गया शायद, बिफोर वगैरह, टेंशन ना लो, सारे दर्द दूर होंगे, रुक जाओ जरा एक मिनट वेट करो, एक बार जरा बताओ अभी ठीक, अभी सही आ रहा है, हाँ जी अब बढ़िया आ रहा है, लो भाई एक बार बात कर लो जरा यस सर से, कब क्लास ले रहे हैं, फिर मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, लो फटाफट। जय हिंद भाई सभी को, कैसे हैं आप सभी। मैं लगातार देख ही रहा था क्लास के लिए आप लोग बोल रहे थे, तो आपकी इंग्लिश की क्लास से स्टार्ट हो चुकी है आप सभी को पता ही है, तो जल्दी आप लोगों की जीएस की क्लास, जिसकी आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि जीएस भी हो आपके साथ, बिल्कुल, तो जीएस की क्लास जल्दी हम स्टार्ट करते हैं, उसमें करंट अफेयर्स आपका जो हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एनडीए सीडीएस, देखिए 14 तारीख को जो एग्जाम है एनडीए का भी है और सीडीएस का भी है, तो उसके लिए हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे, और सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस रहेगा वो किस पर, जहां से मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, वो कहां से, स्टैटिक जीके प्लस उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जनरल अवेयरनेस, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो वो पोर्शन सारी चीजें मैं क्लास में बताऊंगा। तो अब बात आई क्लास स्टार्ट कब से होगी, तो जैसा कि सर ने वादा किया था कि नेक्स्ट वीक से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, देखिए आपको पता होगा मेरी आवाज भी अभी भी फिलहाल बैठी हुई है और बैक टू बैक क्लासेस चल रही है, मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट हो जाती है और जस्ट मैं अभी मैं आ ही रहा था क्लास लेकर के, तो मैं यहाँ स्टूडियो में आ गया, इसके बाद भी मेरी अभी क्लास है, तो लगातार बैक टू बैक क्लासेस की वजह से टाइम नहीं निकल पा रहा था, लेकिन फिर भी जैसा कि सर ने कहा तो फिर जो है कोशिश की टाइम निकालने की, और आपकी क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली ट्यूजडे या वेडनेसडे से आप हम जो स्टार्ट कर रहे होंगे, जहां तक हम वेडनेसडे को अपनी क्लास स्टार्ट कर देंगे, टाइम क्या होगा, शेड्यूल क्या रहेगा, कैसे आगे चलेंगे, वो हम वेडनेसडे को सारी बातें आपसे कर लेंगे, फिलहाल आप टाइम वेस्ट मत कीजिए क्लास का, लो मैं सर को माइक देता हूँ, आप पढ़ाई कीजिए, जय हिंद। चलिए भाई जवानों स्टार्ट हो जाओ फटाफट, आंसर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, माधुरी ने क्या बोला, देखो भैया माधुरी ने क्या बोला जरा फटाफट, हाँ जी, तो माधुरी डिड नॉट रिप्लाई, माधुरी ने जवाब नहीं दिया, किस चीज का नहीं दिया, व्हेन आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे पूछा, जब मैंने माधुरी से कुछ पूछा
तो माधुरी ने जवाब नहीं दिया। जब आप किसी से कुछ पूछते हो तो आपको कई बार जवाब नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो माधुरी ने पूछा, सॉरी माधुरी ने रिप्लाई नहीं दिया जब मैंने माधुरी से पूछा कि वो वाई कि वो रो क्यों रही थी, वो रो क्यों रही थी, इस बात का माधुरी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अगर ये आपको यहां समझ में आता है तो मुझे आंसर बताओ, नहीं तो मैं नीचे कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं फटाफट। शायद कुछ बच्चों को तो तुरंत समझ में भी आ गया होगा, नहीं जिसको आया वो कॉन्सेप्ट लिख लेना भैया, कि जब भी हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है तो वहां डब्ल्यू एच वर्ड के बाद पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर जाके क्या आती है, मेन वर्ब, यही तो बनता है। लेकिन यदि हमारा डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, यदि हमारा डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, यानी कि वो इंटरोगेटिव ना हो, क्या ना हो, इंटरोगेटिव ना हो, तो इसका मतलब है अब उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करोगे। पहले क्या यूज करोगे आप, सब्जेक्ट, और फिर क्या यूज करोगे आप, वर्ब। तो यहां पर क्या होने वाला है, अब यहां पर डब्ल्यू एच अगर यहां से स्टार्ट होता सेंटेंस, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता, यहां से स्टार्ट होता, तो भी ये सही था। तब क्वेश्चन ये बनता कि भैया व्हाई शी वाज वीपिंग, कि वो क्यों रो रही थी, आगे समझ में। तो यहां से अगर होता तब तो सही था, लेकिन अभी ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिडिल में नहीं है, ये स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहां से एसर्टिव सेंटेंस है, एसर्टिव, इंटरोगेटिव नहीं है, हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा, इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, देखो कहां से स्टार्ट, ये क्या है, एसर्टिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, ये वॉज सी के बाद चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, इसीलिए क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही रखा टॉप प्रायोरिटी में। तो इसके जैसा मैं एक क्वेश्चन अभी और दूंगा आपको, और मुझे उसे करके बताना इस क्वेश्चन में गलती क्या है। लिखो फटाफट जल्दी से इस क्वेश्चन को, लिखो अपनी कॉपी में जल्दी से फटाफट लिख लो, तुम भी लिखते रहो नहीं तुम भी पिटोगे। लिखो, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई गो, ही आस्क्ड मी वेयर डिड आई गो। चलो इसे करेक्ट करके बताओ, ही आस्क्ड मी, देखिए सीखना और कॉन्सेप्चुअल इसे ही कहते हैं कि आपको तुरंत क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत ना पड़े, आप तुरंत क्वेश्चन वहीं के वहीं बनाएं और उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। जल्दी बताओ फटाफट, सर ये आ गया, ये आ गया सर, ये डब्ल्यू एच वर्ड देखो यहां आ गया, ये मिल गया डब्ल्यू एच वर्ड। सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही है, असर्टिव सेंटेंस है, बीच में है, इसके बाद क्या नहीं आएगा बताओ फटाफट जल्दी से। एक बच्चा कह रहा है सर वेयर आई डिड गो कर दो, जूता लाना मेरा निकाल के जरा, मैं तो जूता पहना भी नहीं है। वेयर आई डिड गो, सर पीट दूंगा तेरा भी। सुन पहले, ये इंटरोगेटिव है, यहां ये इंटरोगेटिव का फील आ रहा था इसमें, लेकिन अब हमें इसे एसर्टिव फॉर्म में बदलना है। वहां तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि वहां हेल्पिंग वर्ब अलग थी और मेन वर्ब अलग थी। इसका जब मैं पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट बनाते समय डिड चला जाएगा, अगर नॉट होता तो ठीक था, लेकिन नहीं है नॉट, तो मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा, आई लाना पड़ेगा, मैं ले आया आई। लेकिन क्या मैं डिड गो करूंगा, डिड तो तब आता है जब सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव, हेल्पिंग वर्ब तब आएगी। तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म लगती है, लिख लो फटाफट, कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म लगती है, तो इसीलिए डिड गो नहीं लगाना है, सीधा क्या हो जाएगा, वेयर आई वेंट। हाँ, अब सबका, हाँ अब सबका वेंट आ रहा है, वाह शाबाश सर, मैंने बोला था डिड नहीं आएगा। अच्छा पहले तो तुम बोलते नहीं हो, चलो इस बार देखता हूं जरा। लो जी, फिलर्स, टेंस को ऐसे डिजाइन किया है, आज ऐसे डिजाइन किया है कि आपको फिलर्स की फीलिंग हर तरह की, जैसे पेपर में आते हैं एज इट इज क्वेश्चन बना के डाले हुए हैं, ठीक है। लीजिए, लेट्स सी,
सर वापस बता दीजिए, ठीक है भाई वापस बता रहा हूं, इसको तुम करो मैं क्वेश्चन वापस बता रहा हूं, लीजिए एक नया और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन तो जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं यहां से, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आ जाओ फटाफट। दे आस्क्ड अस व्हाई डिड शी कम हेयर, लीजिए इस सेंटेंस में गलती बताओ फटाफट, इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, लीजिए इस सेंटेंस का आंसर बताओ, फॉर वाले का बताओ, चलिए फॉर वाले में जिसने भी आंसर हेड लगाया है उसका आंसर 1000% सरासर गलत है। अरे सर ये क्या कह दिया आपने, दिल की दिल पे चोट मार दी आपने तो, मैंने तो सर आपने ही तो बताया था कि रिपोर्टिंग वह पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होना चाहिए, तो सर आपसे सीखा और अप्लाई कर दिया, क्योंकि सर मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता, क्योंकि आपने एक बात बताई थी कि रिपोर्टिंग वह पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में होगा, ये बात सही है, लेकिन कहावते कहावते कभी भी पास्ट में नहीं होती हैं, सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ कभी भी पास्ट में नहीं होते हैं, सर मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो इसीलिए मैं तो तुक्के मारूंगा, सर पीट दूंगा तुम्हारा मैं। ये क्वेश्चन और ये आया हुआ है, कमाल की बात तो ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये एनडीए का ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, इसीलिए मैं कहता हूं कि एयरफोर्स वाले बच्चों एनडीए का जब भी अगर कंटेंट चल रहा है तो उसको मेहनत करके पढ़ो, सही बता रहा हूं, एयरफोर्स के एग्जाम के टाइम पे तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम इस बार बोलोगे जी हम तो इतने खतरनाक हो रखे हैं पेपर आने तो फोड़ देंगे तुरंत, क्योंकि वास्तव में एनडीए क्वेश्चंस का बड़ा बहुत अच्छा लेवल आता है, ऐसा ये जो जनरली रटने वाले क्वेश्चन जो आप नॉर्मली देख रहे होते वो नहीं मिलेंगे आपको, ये कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे। हाँ जी इसको पकड़ो पहले, इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको बताओ, ये तो तुमने पढ़ लिया इसका आंसर बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है लेकिन WH वर्ड यहां सेंटेंस के मिडिल में है तो ये इंटरोगेटिव नहीं है, नहीं है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो मैंने क्या कर दिया यहां से मैं कॉपी लिख रहा हूं वाई शी, सब्जेक्ट पहले आ गया, अब यहां पर है डिड कम, अगर तुम ये कहोगे वाई शी डिड कम तो सोचो पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद डिड कब आता है, जब निगेटिव हो, और क्या यहां निगेटिव है, नहीं, तो अगर निगेटिव नहीं है तो डिड कम को हटा दो, कौन सी फॉर्म लगती है, सेकंड फॉर्म, तो बनेगा वाई शी केम हेयर, सीधा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी वाई शी केम हेयर, हाँ इस बार आपने सही बनाया, टेंशन ना लो, क्वेश्चन में तब तक बनाता रहूंगा जब तक एक एक क्वेश्चन एक एक बच्चे के दिमाग का दर्द नहीं दूर हो जाए, इसको पकड़ो, रिपोर्टिंग वह पास्ट में है लेकिन यह है सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, मतलब एक तरीके से प्रोवर्ब जैसा ही मान लो, इसका अर्थ क्या है, महिलाओं में पेशेंस, पेशेंस इज धैर्य, धैर्य कैसे लिख लेना, मोर देन मेन, मोर देन मतलब पुरुषों से, मतलब सुनो भाई कंपेयर कर रहा है, क्या कंपेयर कर रहा है कि भैया महिलाओं में धैर्य ज्यादा होता, अगर तुमने कह दिया ना हेड तो इसका मतलब ज्यादा होता था, महिलाओं में धैर्य ज्यादा होता था, पुरुषों से ज्यादा होता था, आज नहीं होता है, हाँ भाई बताओ क्या आज नहीं होता है, अब कुछ लोग कहेंगे सर कहाँ होता है बताओ, हमारे यहां तो पड़ोसन रोजाना लड़ती है, चिंकी तो रोज लड़ती है, मिंकी तो रोज लड़ती है, भैया वो तुम्हारे चिंकी मिंकी का दिक्कत होगी, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, सामाजिक बात, एक ये सोसाइटी, ये सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ है, एक तरीके से प्रोवर्ब है कि महिलाओं में धैर्य पुरुषों से ज्यादा होता है, पुरुषों में क्या है, हाँ भाई किसने मार दिया है चल तुरंत ठोकने के लिए तैयार हो जाएंगे, महिलाएं क्या है थोड़ा सा दिमाग से सोचती हैं, थोड़ा धीरे चलती हैं, धैर्य रख के, ठीक है एक्शन क्या लेना है वो बाद की बात है, ये मैं अपना विचार नहीं दे रहा हूं, कभी बोलो इसे वीडियो काट के बोलो संजीव सर ने क्या बोला है, ये एक नॉर्मल बात बता रहा हूं जो वास्तविकता है कि महिलाओं में धैर्य ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा,
कल भी बात ये सत्य थी, आज भी बात ये सत्य है। आगे बात समझ में? तो इसे पास्ट में नहीं कर सकते। जैसे माँ किसी भी बच्चे की पहली टीचर होती थी नहीं, आज भी होती है। आगे ना समझ में? तो इसीलिए इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट क्या होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए बताओ जल्दी से फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा ना, क्योंकि कहावतें हमेशा कौन से टेंस में होती हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आंसर क्या होगा इसका? हैव। विमेन प्लूरल है, प्लूरल है तो हैव होगा, हैज मत कर देना इसका आंसर। और आर हैविंग इसलिए मत कर देना क्योंकि हैव का मतलब है रखना, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट कभी कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है। हाँ, हैव, गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बोलिए आंसर। दिमाग भी होता है? हाँ बेटा, बहुत दिमाग होता है। बताओ भाई अगला क्वेश्चन। वॉज स्लीपिंग, कहाँ है वॉज स्लीपिंग? बी ऑप्शन। अच्छा जी, चलो देखते हैं। शी जो है वो सो रही है या सो रही थी, हैज बीन स्लीपिंग तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां टाइम नहीं है। अगर सिंस और फॉर नहीं है आपके पास, आपको टाइम ही नहीं दिया है, क्योंकि हैज बीन स्लीपिंग का मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब लगेगा जब आपको क्या दिया होगा? टाइम। जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। टाइम तो यहां है ही नहीं, तो टाइम नहीं है तो ये तो लगेगा नहीं। अब देखो नाउ का क्या मतलब है? अभी। नाउ का क्या मतलब है प्रेजेंट में? क्योंकि वो अभी थकी हुई है। जब वो अभी थकी हुई है तो नाउ का मतलब अभी, तो वो अभी सो रही होगी, तो फिर तुम पास्ट में कैसे सुला रहे हो भाई इसको? ये हिंट इतना बड़ा देने का रीजन उसका क्या है? यही तो है। तो आंसर क्या होगा? इज स्लीपिंग। किस किस का? एक स्लेप्टी कर रहा है, वॉज का पेयर नाउ से बनेगा। मोहम्मद आरिफ बेटे जूते खाने के लायक काम कर रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी बताओ। यू आर वेरी लवेबल पर्सन, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। ये मिस्टेक है, मैंने सही कर दिया। अब ढूंढो, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। अच्छा जी सुनिए ध्यान से, आप सोचिए दिमाग से। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, वर्ब ऑफ स्टेट। क्या बताया मैंने? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट पूरा कॉन्सेप्ट खोल रहा हूं भाई, क्योंकि इसके बाद कम से कम 20 क्वेश्चन आएंगे वर्ब ऑफ स्टेट के, और कौन कौन सी वर्ब पेपर में आती है वर्ब ऑफ स्टेट में वो भी लिखूंगा, अभी दिखाऊंगा आपको यहां पे। सुनो ध्यान से, वर्ब ऑफ स्टेट जो है वो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती। लिख लेना, क्वेश्चन मत उतारो, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो ये मैं लिख रहा हूं इसको लिखो यहां पे। वर्ब ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं होती, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब ऑफ स्टेट यूज नहीं होती है। वर्ब ऑफ एक्शन, वर्ब ऑफ एक्शन, अच्छा सॉरी एक्शन बाद में लूंगा, स्टेट सुनो। वर्ब्स ऑफ स्टेट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है, तो हम इन्हें कहां यूज कर सकते हैं? इनडेफिनिट में। कौन से टेंस में? इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट में ही क्यों करेंगे, इसका क्या रीजन है उसको भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। इनडेफिनिट में यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं करेंगे। अब जैसे सपोज करो, मान लो मैंने आपसे कहा आई एम हैविंग अ हाउस या आई एम हैविंग अ फ्लैट, तो यहां पर एम हैविंग का मतलब कॉन्टिन्यूस में क्या होगा? कि मैं रख रहा हूं। एक सेकेंड, कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूटी, मोशन, द फैन इज मूविंग, मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको तुरंत। ही इज रनिंग, दौड़ रहा है,
आई एम ईटिंग, खा रहा है, एक्शन हो रहा है. ही इज टीचिंग, पढ़ा रहा है, एक्शन हो रहा है. दे आर स्विमिंग, तैर रहे हैं, एक्शन चल रहा है. एक सेकेंड, जब आप किससे कहते हैं कि मैं घर रख रहा हूं, कहां रख रहा हूं, दिखा कहां रख रहा हूं, इसका मतलब कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं है. तो ये रखना जो है कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं है. इसीलिए आप क्या कहोगे, आई हैव अ हाउस. कुछ चीज ऐसी होती है जो कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन नहीं हो सकती, वो एक्शन नहीं हो सकता, कंटिन्यूटी नहीं हो सकती. तो इसीलिए उनको जब कंटिन्यूटी हो सकती तो कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं लगेगा. इसीलिए उनका कौन सा टेंस बनेगा सर, इनडेफिनिट टेंस बनेगा. कौन सा बनेगा, इनडेफिनिट टेंस बनेगा. आगे समझ में, इनडेफिनिट टेंस लगेगा उनमें. तो कौन कौन सी ऐसी वर्ब है, तो इसीलिए सोचो आज तक जब भी किसी प्रेमी ने किसी भी प्रेमिका को अगर कहा है तो ऐसा क्यों नहीं कहा उसने, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू, ऐसा क्यों नहीं कहा उसने. विचार करो इस बात पे, लगाओ दिमाग, क्यों नहीं कहा बताओ. क्योंकि लव इज नॉट एन एक्शन, लव कोई एक्शन नहीं है. लव इज नॉट एन एक्शन, लव इज अ फीलिंग, फीलिंग स्टेट, स्टेट ऑफ माइंड. तो आप किसी के सामने जाते हो तो ये नहीं कहो मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, दिखा कहां कर रहा हूं भाई. तुम तो कॉन्टिन्यूस टेंस लगा दिया ना, कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं, दिखाइए कहां कर रहा हूं. तो आपके अंदर क्या होती है, किसी के लिए स्टेट ऑफ माइंड यानी कि फीलिंग यहां होती है और आप उसे जाके एक्सप्रेस कर देते हो. तो इसीलिए आप ये ना कह के कॉन्टिन्यूटी ना बना के क्या कहते हो, आई, हाँ, अगेन ना समझ में, बिकॉज यू डू नॉट हैव, यू आर नॉट शोइंग एक्शन, ये लव है. ऐसे ही नफरत के लिए क्या आप ये कहोगे, आई एम हेटिंग यू, आई एम हेटिंग यू, एक्शन, मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं. सामने वाले कहां कर रहा है, दिखा जरा, नहीं. इसका मतलब है नफरत वाली फीलिंग तुम्हारे कहां है, माइंड में है, फीलिंग स्टेट. तो ऐसी जो ये वर्ब होती है स्टेटिव वर्ब, इनको हम लोग कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं कर सकते. तो इसीलिए यहां पर क्या होगा बताओ, इसमें चेंज क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा. और प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू, क्योंकि यहां नॉट भी है ना, तो डू. और लविंग का क्या होगा, लव, तो आई डू नॉट लव यू. ये था वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट. होपफुली आपको आज ये भी समझ में आया होगा कि क्यों नहीं लगता है. अब मैं आपको जरा फटाफट, लो जी, जिसका तुम्हें था इंतजार, लिखो फटाफट जल्दी से, इनके बाहर नहीं आएगा पेपर में, जल्दी से लिखो फटाफट. स्क्रीनशॉट मत ले लेना, कुछ लोगों ने तुरंत कर, ले लेता हूं स्क्रीनशॉट, लिख ले हाथ लगा के, नहीं तो कान खींचे मारूंगा नालायक. जब हाथ से लिखते हो ना तो आपको पता रहता है कि हाँ मैंने ये लिखी थी, ये याद रहती है दिमाग से, इसीलिए पेन का कनेक्शन दिमाग से होता है. लिखो फटाफट जल्दी से, कौन कौन सी वर्ब है जो वर्ब ऑफ स्टेट है, कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती है, लिखो. मोस्ट, वैसे तो बहुत सारी होती है लेकिन मेन मेन जो है वो मैंने यहां लिख दी है. सर हम तो लव को एक्शन मानते थे भाई, तुम तो पता नहीं लव को क्या मानते हो. तुम्हारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग थोड़ी चलेंगे, तुम्हारी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग तो महिलाओं में पेशेंस भी नहीं होता है. अब बताओ मैं क्या करूं इस चीज का. हो गया भाई, चलो. तो आपने होपफुली लिख लिया होगा सभी ने, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर यही है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं. तो मैंने ऐसे काफी कॉन्सेप्ट जो है लिखे हुए हैं, क्योंकि आप लोग उस दिन बोली रहे थे कि सर पूरा जड़ से ही खोलो, तो आज फिर जड़ से ही खोलेंगे. चाहे क्वेश्चन हो 50 फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा इसको ढंग से ही करके चलेंगे, ठीक है. 7 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से जरा. हो गया सर, एक एग्जांपल और दे दो. चलो तुम एक काम करो, वहां लिखो, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं.
चलो ये बराबर वाला क्वेश्चन कॉपी कर लेना, इसको नोट करो। राजू कुमार वॉन्टिंग इन होता है क्या सर? बेटा मेरे तुम यही तो गलती करते हो, पता नहीं किस भी टीचर ने तुम्हें कह दिया कि ये होता है तो फिर ऐसा। अबे भैया ये भी तो देख ले, उसका मीनिंग कुछ और होता है। वहां वॉन्टिंग का मतलब होता है लैकिंग, और तुम लोग सर वॉन्ट तो वर्ब ऑफ स्टेट होती है। पूरा पढ़ो कॉन्सेप्चुअल, रटो मत इन सब चीजों को, इसीलिए तुम फंस जाते हो। यहां देखो जरा, एट प्रेजेंट। सर एट प्रेजेंट का क्या मतलब है? एट प्रेजेंट का मतलब है इस समय, अभी प्रेजेंट की बात कर रहा है। क्योंकि शी इज प्लेइंग इन द गार्डन, क्योंकि वो गार्डन में खेल रही है, इस समय खेल रही है, तो इसका मतलब फिर इस समय वो पढ़ नहीं रही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चल एट प्रेजेंट का मतलब अभी है, तो प्रेजेंट टेंस यूज होगा क्या? हम प्रेजेंट, ये तो होगा नहीं। क्या हम प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट यूज कर सकते हैं? नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हो चुका है, तो फिर एट प्रेजेंट में नहीं। और एट प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब है रूटीन, रूटीन बार बार, और वो सिर्फ कब की बात कर रहा है? फिक्स टाइम जो अभी दिया है। एट प्रेजेंट जैसे अभी, एट प्रेजेंट मैं पढ़ाता हूं, नहीं पढ़ाता तो मैं रूटीन में हूं, लेकिन अभी इस समय क्या कहूंगा? एट प्रेजेंट मैं पढ़ा रहा हूं। तो फिक्स टाइम प्रेजेंट में गिवन टाइम, वहीं पर अगर एक्शन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा गुड। ये बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। माई कार इज ब्यूटिफुल, इसमें एडजेक्टिव क्या है? काम की बात पे ध्यान मत दो, इधर उधर की पूछते रहना। अभी जो जो चीज पढ़ रहे हैं उसको नहीं पढ़ोगे, फिर जब एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा तब फिर ये पूछना टेंस की बातें। दिस, अब भैया बिलोंग क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट है तो क्या करोगे? इसका कॉन्टिन्यूस हटा दोगे, तो क्या कर दोगे? दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट। गुड, वेरी गुड। हाँ भाई चलो, बाकी बच्चे जरा इसका दर्द मिटाओ, ये कौन था? नहीं तो ये बोलेगा सर ने मेरा डाउट नहीं बताया, जब मैंने पढ़ ही लिया तो सुन। क्या पूछा था इसने? माय कार इज ब्यूटीफुल, इसमें क्या बताना है? एडजेक्टिव बताना है। चलिए भैया हाँ बताओ इसको जरा, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? जो भी शब्द नाउन की इंफॉर्मेशन दे, किसकी इंफॉर्मेशन दे? नाउन की इंफॉर्मेशन दे, उसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव होता क्या है? जो नाउन की इंफॉर्मेशन देता है। कार, कैसी कार? ब्यूटीफुल कार। कार किसकी कार? मेरी कार। ये दोनों ही क्या है? दोनों ही एडजेक्टिव है। इसका आंसर बताओ भाई। योर लविंग सन, एक बच्चा पूछ रहा है सर योर लविंग सन तो कहते हैं, वहां पर तो लव में आईएनजी लग गया। मैं कितना समझाऊं, या तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी ऐसी फितरत नहीं है कि मैं बच्चों को रटाऊं। मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं, बच्चों को 15 दिन पहले बेसिक्स क्लियर कराता हूं, एक एक बात बताता हूं। अब तुम इतने डाउट में क्यों हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम सोचो दिमाग से बच्चों, आपने कुछ फैक्ट रखे, आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस होगा। एक सेकेंड, योर सन, सन क्या हो गया? नाउन। यो क्या हो गया? एडजेक्टिव। कैसा सन? लविंग सन। लविंग भी इसकी क्या बता रहा है? विशेषता, इंफॉर्मेशन। ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए इज एम आर, दिमाग लगाओ, इज एम आर। इतना सारा दर्द अगर मुझे निकालना पड़ेगा मैं पगला जाऊंगा। सुनो ध्यान से मेरी बातों को, या तो वो जो तुमने फैक्ट सीधे सीधे रटे हुए हैं वो बहुत दिक्कत पैदा कर देंगे। मैं इसीलिए बहुत स्लो चल रहा हूं, मेरी सुनते रहो बात। कंटिन्यूस का मतलब है हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी, यहां पर लविंग जो है ये एडजेक्टिव है। हाँ
आओ भाई इसका आंसर बताओ फटाफट। हाँ ऐसे ही हो जाएगा बेटा, इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्चुअल, बहुत धीरे धीरे। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ये बहुत धीरे धीरे आती है। इसके कुछ चंद रूल क्या करते हैं, कई बार टीचर्स फेंक देते हैं उनको, बच्चा रट लेता, फिर वो जो अपोजिट आते हैं वो दिक्कत करते हैं। बहुत धीरे धीरे पढ़ो, बहुत, आपको बिलीव भी नहीं करोगे कि ऐसी ऐसी चीजें हैं इंग्लिश में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें हर टाइम एक्सेप्शन तैयार रहते हैं, तो एक एक बात को बहुत आसानी से बहुत धीरे धीरे परखना पड़ता है। Give me mango shake. अब अगर तुम इस बात पर अड़ जाओगे कि मैंगो नाउन होता है तो फिर तुम्हें इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता। इस सेंटेंस में मैंगो क्या होता है बताओ, मैंगो क्या है बताओ इस सेंटेंस में। यहां देखो सेल्डम का मतलब बताओ बेटा क्या होता है, सेल्डम मतलब, सेल्डम मतलब रेयरली, रेयरली मतलब कभी कभार, और कभी कभार कौन सा टेंस बताओ, रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन। कभी कभार इररेगुलर एक्शन, कैसा एक्शन, इररेगुलर एक्शन, कभी कभार। और इररेगुलर एक्शन के लिए कौन सा टेंस आता है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लिख लो। रेगुलर हो या इररेगुलर हो, इररेगुलर हो, टेंस कौन सा ही रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ये नहीं है, आंसर बताओ हैव या हैज। हैव भाई साहब, ही सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। हाँ अभी तो बताया था मैंने, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, हैज। बिल्कुल हैज, वेरी गुड। लो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो चलते चलते। गिव मी सम, अब हमें पता है कि मैंगो क्या होता है, नाउन होता है। जैसे ऐसे ले लो, मान लो ये है, ये क्या है, मैंगो है, एक आम है, किसी ने मुझे लेके ही दे दिया, सर लो ये आम खा लो, मैंने आम ले लिया। मटेरियल समथिंग, ये क्या है, नाउन है। क्या है यहां पर, ये नाउन है। लेकिन इस सेंटेंस में मैंगो नाउन नहीं है, क्यों। गिव मी शेक, शेक तो समझते हो, शेक जो आप पीते हो वही शेक क्या है, मटेरियल, ये है नाउन। जूस वाले की दुकान पे जाके बोलो भैया मुझे शेक दे दो, वो बोलेगा कौन सा दूं, आपने कहा नहीं शेक दे दो, कौन सा दूं, शेक दे दो, कान पे मारेगा तुरंत, बोलेगा भाई ये तो बता दे इसकी विशेषता तो बता दे, कौन सा जूस चाहिए। फिर आप बोलोगे नहीं मैंगो शेक, इसका मतलब आपने शेक की मैंगो से क्या बताई, विशेषता बताई कि भैया ये वाला। तो ये जब इसकी विशेषता बता रहा है तो नाउन की विशेषता यदि नाउन बताए तो वो क्या बन जाए, एडजेक्टिव। Hence proved, my dear, English को मत रटना, हर धीरे 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 चलती है ये, बहुत धीरे धीरे। तो इसका आंसर हो गया भैया डी। लो नाइन का आंसर बताओ, ओ हो हो हो, चलिएगा अगला क्वेश्चन। गर्दा उठा दिया जी, आप गर्दा पता नहीं तुम्हारा क्या क्या उठ जाता है। अच्छा तुम मैंगो को नाउन मानने दे, नहीं वहां नाउन नहीं है बेटा। कौन सा फोन है, अबे ये 2016 का फोन है, बहुत पुराना फोन है। हाँ एप्पल, हर कोई एप्पल नहीं खरीदता, तो एप्पल की। हाउ लॉन्ग सर जी, हाउ लॉन्ग का क्या मतलब होता है, लिखो जल्दी से, हाउ लॉन्ग और सिंस वेन, हाउ लॉन्ग और सिंस वेन के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है। कौन से टेंस का यूज होता है सर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। हाउ लॉन्ग और सिंस वेन, हाउ लॉन्ग और सिंस वेन के साथ कौन सा टेंस यूज होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज होगा। अब ये तो हो गई रटने वाली बात, सीखने वाली सुनो, क्यों सर ऐसा क्यों होता है, हाउ लॉन्ग और सिंस वेन के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों यूज होगा। तो सुनो, मैंने आपसे पूछा क्या पढ़ा रहे हो, कौन सा टेंस है,
क्या आप पढ़ा रहे हो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्या आप पढ़ा रहे हो? आर यू टीचिंग? आप कब से पढ़ा रहे हो? इसका मतलब मैंने क्या ऐड कर दिया? टाइम। क्या ऐड कर दिया? और जब भी कॉन्टिन्यूस में टाइम ऐड हो जाएगा, जब भी कॉन्टिन्यूस में टाइम ऐड हो जाएगा, वही किसके इक्वल होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसीलिए हाउ लॉन्ग और सिंस वेन का मतलब है टाइम ऐड कर दिया, और टाइम ऐड करते ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ढूंढ लो फटाफट कौन सा होगा इसमें से। बी, बी में क्या है? हैव यू टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब मिल गई, मेन वर्ब मिल गई, सब्जेक्ट मिल गया, बीन कौन लगाएगा? निकम्मो, बीन नहीं है इसमें, इसका आंसर होगा डी। पूरा तो देख लिया करो, वहां बीन भी चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है तो आपको बीन भी चाहिए होगा, तभी तो आप आईएनजी लगाओगे, नहीं तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लग जाएगी। कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, आएगा थोड़ी देर में तब क्लियर करूंगा, और बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, टेंशन ना लो। कंडीशनल वाला आने वाला है अभी। ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है, और भैया ये सीडीएस में आया हुआ है, कमाल की बात तो ये है, लेकिन ये एक ही बात पर निर्भर है, इसमें सिर्फ एक ही क्लू है, जिसको ये पता चल गया 2 सेकंड का क्वेश्चन है। सीडीएस में क्वेश्चन इसी हिसाब से घुमाता है। इसका मतलब बता दो। अच्छा, फिर बचेगा क्या? भाई फिर बचेगा क्या? नालायक, लो भाई, लो अब बता रहा हूं, जरा आप सुन लो, अब मैच कर लेना। ऑफ लेट का मतलब लिखो रिसेंटली, रिसेंटली, रिसेंटली मतलब अभी अभी, अगर कोई एक्शन अभी अभी प्रेजेंट में हुआ हो तो ऑफ लेट कह दो या रिसेंटली कह दो, बात एक ही है, कौन सा टेंस लगाओगे उसके लिए। इफ एक्शन टेक्स प्लेस रिसेंटली, यदि कोई एक्शन अभी अभी हुआ हो, कौन सा टेंस यूज करोगे उसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट। तो कह रहा है मैंने अभी अभी, रिसेंट में अभी अभी कोई पिक्चर नहीं देखी है, तो आंसर क्या होगा? सी, लिख लेना, ऑफ लेट या रिसेंटली के साथ कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट, लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11, कम से कम 40% बच्चे इसका आंसर गलत देने वाले हैं अभी, तो इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट तैयार कर देता हूं साथ के साथ, ध्यान से सुनना भाई, एक पिक्चर बनाऊंगा, जरा इस पूरी पिक्चर से आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। एक काम करो, यहां नहीं बन पाएगी, थोड़ा स्पेस बड़ा चाहिए। तुम पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भी क्या करोगे, आपको सीखना, पहले यहां पढ़ लो जरा, फिर आपको बताता हूं इसमें क्या लगेगा। या लेट मी ट्राई, छोटा बना देते हैं थोड़ा। प्रेजेंट पास्ट, देखो भाई तुम्हारे कितने टेंस अभी खत्म होने वाले हैं, यहां पे ध्यान से देखना जरा, एक पिक्चर से सारे टेंस खत्म हो जाएंगे। हैव बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग, चलो सबका डाउट खत्म होने वाला है, सुनो ध्यान से। एक सेंटेंस, मैंने कहा आपसे आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग का मतलब है प्रेजेंट में बोलते समय काम चल रहा है। फिर मैंने कहा आपसे 2010 से पढ़ा रहा हूं, तो 2010 से काम शुरू किया और तब से लेकर अब तक और अभी भी चल रहा है, तो पास में शुरू हुआ और पास से शुरू होकर अभी भी चल रहा हो तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन लेकिन अब ध्यान से सुनना, आपने मुझे पास्ट में दे दिया टाइम, पास्ट में टाइम दे दिया,
और वहीं पर एक्शन कराया तो कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन आपने कहा कि इससे 10 साल पहले से पढ़ा रहे थे, तो काम शुरू कब हुआ? पास्ट में। काम कब शुरू हुआ? पास्ट में। और कहां रोक दिया आपने? पास्ट में। तो अगर पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही रोक दिया तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, अगर वहां पे टाइम दिया है तो। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही रोक दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन अगर उसे खींच के आप प्रेजेंट तक ले आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हिंट क्या है, अब सुन लो जरा ध्यान से, हिंट क्या है इसमें? हिंट ये है, व्हेन आई वेंट देयर, साफ हो गया भैया? वेंट का मतलब क्या है, कौन सा टेंस आपको मिल गया? वेंट का मतलब है आपको कौन सा टेंस मिल गया? पास्ट इंडेफिनिट, ये मिल गया आपको पास्ट इंडेफिनिट। जब मैं वहां गया तो वो लंदन में 10 साल पहले से रह रहे थे, तब गया उससे 10 साल पहले से, तो पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट। लेकिन इसमें क्या भी दिया हुआ है? टाइम, सिंस और फॉर प्लस टाइम, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हिंट था, इसीलिए मैं कह रहा था यहां गलती करोगे, पास्ट का टाइम दिया हुआ है, उससे पहले बोल रहा था वो आपसे। तो आंसर क्या होगा? बी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी फटाफट। हैव बीन लिविंग, अब हैव बीन लिविंग मत लगा, नहीं कान के नीचे लगा दूंगा। हाँ जी बताओ, क्लियर हो गया क्या? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। और जिसको क्लियर ना हुआ हो तब तक तुम इसे करो, मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहीं पे। लो, इस सेंटेंस में गलती बताओ क्या है? क्वेश्चन सुन लेना क्या है, क्वेश्चन ये है, शी इज टीचिंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 years, व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला। बताओ फटाफट, दोनों पॉइंट आपको दिए हुए हैं। हाँ जी, इसको देख लो जरा, इसको भी बताता हूं, पहले इसको सुनो। बाय 5 o'clock yesterday, इसका मतलब कब की बात कर रहा है? यस्टरडे की, कल पांच बजे तक मैं केवल एक ही मछली पकड़ पाया था। बाय का मतलब है 5, यानी कि जो समय दिया है उस समय तक, यानी कि उससे पहले पहले, उससे पहले पहले तक वो एक मछली पकड़ पाया था। तो यदि कहता कि मैंने 5 बजे एक मछली पकड़ी, टाइम दिया और उसी में मछली पकड़ी, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन उस समय तक, उस यानी कि उससे पहले और पास्ट में दिए हुए टाइम से पहले कौन सा टेंस यूज होता है? पास्ट परफेक्ट। हैड कॉट, विल हैव कॉट मत लगा देना, ये कब लगता है? फ्यूचर में। और यहां उसने क्या दे रखा है? यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट टाइम। हां, अब बताओ इसका आंसर, बताओ भाई क्या होगा? व्हेन आई मेट हर, जब मैं उससे मिला, इसका मतलब वो कब मिला उससे? पास्ट में। और जब वो उससे मिला, उससे भी कितने साल पहले? 2 साल पहले, उससे भी 2 साल पहले, इसका मतलब है पास्ट का पास्ट। और टाइम दिया हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो इसकी जगह क्या होगा? हैड बीन टीचिंग।
बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट। भाई नहीं नहीं मैं समझ गया उसका दर्द कहां है। बाय द टाइम के साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है, ये पक्का रटा हुआ है, पक्का रटे हुए बैठा। इसका दर्द देखो मैं बताता हूं, रुक बेटा तेरे बिना बोले ही मैं समझ गया तेरा दर्द कौन से वाला है। ये वो इसको पक्का किसी ने बाय द टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट, इसको ये वाला फैक्ट रटाया हुआ है कि बाय द टाइम वाले में आता है पास्ट इंडेफिनिट और दूसरे क्लॉज में आता है पास्ट परफेक्ट। ये इसको रटा हुआ है, ये फैक्ट इस बच्चे को रटा हुआ है। और ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि जब तक हम स्टेशन पहुंचे, अब सुन बेटा मैं बताता हूं, तेरे इतने बोलने से मैं समझ गया था कहां कौन सा पॉइंट रटवाया हुआ है। जब तक हम स्टेशन पहुंचे तब तक ट्रेन छूट चुकी थी, बनाना देखो यही बन के आएगा, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन, देखो लग गया पास्ट इंडेफिनिट, वी रीच्ड द स्टेशन कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट। ये देखो इसने ये रट रखा है, बाय द टाइम के तो साथ पास्ट इंडेफिनिट आता है। कुछ नहीं, मैं नहीं बोल सकता इस बात में, मैं कुछ ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि टीचर साइकोलॉजी पे कहां खेल सकता है और कहां उसको रटा सकता है। हाँ, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, वो भी बना लो, बाय द टाइम द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड, वो भी यही बनेगा, वो उसने पक्का ही रटवाया हुआ, इसीलिए वो बाय द टाइम में फंस गया बेचारा। आओ चलो छोड़ो, इसीलिए मैं कहता हूं कि यार ये कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ डायरेक्ट रूल रटने से ना बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। फिर बच्चे कहते हैं सर नंबर नहीं बन पा रहे। अब ये सुनो, आई फाउंड, फाउंड का मतलब है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंड, मैंने पाया, और थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड, फाउंडेड मत कर देना नहीं सिर्फ मैं मारूंगा अभी, क्योंकि वो फाउंड की सेकंड फॉर्म होती है फाउंडेड और थर्ड फॉर्म फाउंडेड, और उसका मतलब होता है स्थापना करना, यहां पर पाना। आई फाउंड, मैंने पाया। लो पिक्चर बना लो भैया, रटने का कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप पिक्चर बना लो क्लियर हो जाएगा। सेकंड फॉर्म फाउंड, मैंने कब पाया, पास्ट इंडेफिनिट में, मैंने पाया कि वो रिसेंटली, मतलब अभी अभी जा। अब देखो रिसेंटली को लेके कुछ बच्चे फिर रटने वाला पॉइंट आएगा दिमाग में, सर रिसेंटली तो इसका मतलब अभी अभी प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और पक्का कुछ ने देखो लगाया होगा, पक्का कुछ ने ये वाला लगाया होगा, सी वाला ऑप्शन, ठीक है, हाँ देखो लगा दिया दो चार ने तो ठोक दिया। लेकिन सुनो मेरी बात को, अगर मैं ये कहूं कि मैंने अभी अभी ये पाया, अभी अभी मतलब प्रेजेंट में, मैंने अभी अभी पाया कि वो अभी अभी गई है, तो अभी अभी गई है तो प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन सुनो, आई फाउंड का मतलब समझो, आई फाउंड कहां, पास्ट में, तो जब मैं खुद ही पास्ट में आ गया तो पास्ट का रिसेंटली क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट का रिसेंटली क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का रिसेंटली पास्ट परफेक्ट, समझो, रटो मत रिसेंटली वर्ड को, मत रटो नहीं तो बहुत दर्द देगा। तो ये फाउंड यहां पर बदल दिया इसने, इसका आंसर होगा बी। हाँ जी, मैं तो गंगा जी नहा गया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अच्छा ये तो मैंने अभी बता दिया था ना, आपने नोट कर लिया था, चलो इस क्वेश्चन में देखते हैं, बताइए फटाफट। सर एक फ्यूचर परफेक्ट का एग्जांपल दो। बेटा अभी दूंगा, थोड़ी देर में अब आएगा तब दे दूंगा, पहले इसे कर लेने दे, जरा इस पे फोकस करना, इसमें गलती फटाफट कहां है। अच्छा लो भाई, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, हमारा सब्जेक्ट क्या है यहां पर, मैनी, मैनी। अब मैनी जो है वो सिंगुलर को डिनोट करता है प्लूरल को, प्लूरल को, मैनी डिनोट करता है प्लूरल को, और प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं आता, तो इसका मतलब यहां पर क्या हट जाएगा, एस।
मैनी वॉन्ट सक्सेस, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आगे बट सक्सेस, अब सक्सेस यहां पर क्या हो गया, सब्जेक्ट, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। सक्सेस वॉन्ट में एस क्यों लगा, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ी देर पूछते कि सर यहां वॉन्ट में एस क्यों लगा, यहां वॉन्ट में एस इसलिए लगा क्योंकि सक्सेस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जरूर लगेगा एस आई एस, क्योंकि अनकाउंटेबल अपने आप में कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ एस आई एस लगेगा, तो यहां इसलिए लगा। यहां पर कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल है तो यहां एस आई एस नहीं लगेगा, ठीक है भाई। अच्छा कोई मुझे मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच बताएगा, चलिए मैं चेक करता हूं अभी आपका। एयरफोर्स वालों और सीडीएस वालों, तुम्हारे एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच के, सीडीएस वालों के में 10 क्वेश्चन आते हैं और एयरफोर्स वाले में एक क्वेश्चन आता है, बताओ जल्दी से मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच। ऑप्शन दे रहा हूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, चार ऑप्शन है, जल्दी बताओ फटाफट। जल्दी पहुंच, हाँ जी एडवर्ब होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक सैल्यूट ले लो मेरी तरफ से। किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट एडवर्ब बना दिया, तुम्हारे सर फिट। अच्छा तो एडवर्ब तो खत्म हो गया, अब दूसरे वाले निकम में आ जाओ जरा, एडजेक्टिव, मैनी वाला रटा हुआ है हमने तो, मच और मैनी, मच अनकाउंटेबल, मैनी प्लूरल काउंटेबल। सुन लो, एक काम करो, इसका आंसर बताना जरा मुझे, मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, मैनी गर्ल्स वॉन्ट टू ज्वाइन एनडीए, इसमें गर्ल्स, मैनी गर्ल्स वॉन्ट टू ज्वाइन, ये हो गई वर्ब। अब बताओ मैनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जरा बताओ, जब मैनी यहां, जब गर्ल्स यहां पर नाउन है, गर्ल्स कितनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स, मैं तो नालायक को, मैनी यहां पर क्या है, मैनी यहां पर है एडजेक्टिव, इंफॉर्मेशन ऑफ नाउन, इसमें केवल और केवल मैनी है, और ये इस वर्ब का क्या भी है, सब्जेक्ट भी है, और अगर ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का काम या तो करता है नाउन या करता है, और नाम ये किसी का है नहीं, तो फिर ये क्या है, प्रोनाउन, और यहां क्या है, ये एडजेक्टिव। सीडीएस में 5 नहीं 10 आते हैं, सीडीएस में पिछले साल से, 2 साल से इसके पार्ट ऑफ स्पीच के 10 क्वेश्चन आते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, वाव सर मजा आ गया, आ जाओ तो मजा फिर बाद में लेना, इधर देखो अभी तो बहुत मजा आने वाला है। देखो भाई, यू, यहां पर यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और कोई भी वर्ब किसके अनुसार लगती है, बताओ किसके अनुसार लगती है, सब्जेक्ट के अनुसार। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर यहां पर मॉनिटर के अकॉर्डिंग लगाएं, ये ऑफ के बाद तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट हो गया ये, सर मॉनिटर को सब्जेक्ट माने या यू को सब्जेक्ट माने, बेटा यू की इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन, मॉनिटर, और जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन दे उसे हम पार्टिटिव कहते हैं, जैसे का यू, यू कौन हो तुम, यू, यू हो मॉनिटर, तो यहां सब्जेक्ट मॉनिटर नहीं होगा, कौन होगा, यू, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, नहीं तो मॉनिटर के अकॉर्डिंग तो इज लगा दोगे, हो जाएगी गड़बड़, तो इसका जो आंसर होगा आर। और इसका एक एग्जांपल और ले लो, जो तुम्हारा दिल कह रहा है कि सर एक और दे दो मजा आ जाएगा बाद में, आए।
टीचिंग थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलो आंसर बताओ फटाफट, ये चार ऑप्शन है, तुरंत नया क्वेश्चन एकदम। और इसीलिए मैं कहता हूं अगर कॉन्सेप्ट से क्लियर है, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो क्वेश्चन तुरंत बनेंगे नए साथ के साथ। बताओ इसका आंसर फटाफट, चार ऑप्शन है आपके पास। हाँ शाबाश मेरे शेरों, शाबाश, नहीं शेर नहीं हो भी सबको सॉरी अब तो सब लोग हैं। तो एम भी आ गया भाई, एम क्यों? क्योंकि यहां पर ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है आपका, आय है, तो आंसर क्या हो जाएगा, एम। गुड, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। दो क्वेश्चन एक साथ हैं, फटाफट उड़ाओ। अब जिनके कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उनको फास्ट करेंगे, और जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं उसको फिर स्लो कर देंगे। बताइए भाई क्या होगा इसका। पवन, प्रवीण और अमित, अंकित, प्रवीण और अंकित कितने लोग हो गए, दो। सब्जेक्ट एंड से जुड़ के क्या हो गया, प्लूरल, और प्लूरल होते ही एस में लाइक मैस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ऐसे ही इसका यूज नहीं होता। नीचे वाला आ जाओ, रहीम ने अपना एक हाथ खो दिया रोड एक्सीडेंट में, लेकिन वो खुद अपने आप सारे काम कर सकता है, ये उसके अंदर क्या है, एबिलिटी है कि वो खुद फिर भी काम कर सकता है। हाँ जी, ए में गलती है, रहीम हैज, हैज रहीम सिंगुलर, हैज, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हिज वन हैंड इन अ रोड एक्सीडेंट, ये भी सही है, ए में क्या गलती है बे। हाँ चलो देखते हैं, सुनो ध्यान से, इसका कॉन्सेप्ट लिख लो साथ के साथ। कोई भी मॉडल अपने पीछे वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कई क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे यहां से। लिखो, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म, और बेस फॉर्म हमेशा याद रखना वो होती है जिसमें आईएनजी लगता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं गो और गोज में बेस फॉर्म क्या होती है, तो आप कहोगे सर गो, क्योंकि गोज में थोड़ी लगेगा, गोजिंग होगा क्या, फिर तो क्या होगा, गोइंग। अगर मैं रन और रन्स में क्या होगा, तो रनिंग, आईएनजी, जिसमें आईएनजी लगता है वही बेस फॉर्म होती है। तो ऐसे ही डू और डज में बताओ, डू और डज में बेस फॉर्म कौन सी होती है, तो डू बेस फॉर्म होती है क्योंकि डूइंग होता है ना कि डूजिंग, जो भी है ये, ठीक है। हाँ तो इसका कैन हो गया हमारा मॉडल, और मॉडल के साथ आती है बेस फॉर्म, तो यहां डज की जगह जाए कैन डू। नेक्स्ट, मॉडल कौन कौन से होते हैं रुको जरा, मॉडल कौन कौन से होते हैं लिख लो, मॉडल कौन कौन से होते हैं, मस्ट, कैन, कुड, विल, शैल, ये तो बचपन में भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, नीड, डेयर, ऑट, यूज, और वुड, कुड, कुड तो हो गया, मस्ट, माइट, ठीक है जी, यही होते हैं, बाकी कोई सा छूट कर देखना। हाँ जी ये बताओ, रानी इज वेरी इगोइस्ट, रानी बहुत घमंडी है भैया, एंड टॉक्स, और वो बात करती है, एज इफ को सर्कल कर लो, ये आपका एनडीए में इससे क्वेश्चन और फिलर्स ही आया हुआ है, तो इसीलिए मैंने फिलर्स ही दिया है यहाँ पे, ठीक है जी, एज इफ को अंडरलाइन कर लो। और एयरफोर्स में भी मैंने पिछले साल ये पढ़ाया था बच्चों को, एज इफ और एज दो, एज इफ एज दो का मतलब होता है मानो की, मानो की मतलब आप मान रहे हो, मान रहे हो तो रियल या अनरियल, अनरियल,
और अनरियल में आएगा स्टेटस, है ना, स्टेटस, स्टेटस के लिए वर, इमेजिनरी स्टेटस के लिए सिर्फ और सिर्फ वर, और अगर स्टेटस ना हो तो पास्ट फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा यहां पर, वर। कह रहा वो ऐसे बात करती है मानो कि जैसे वो क्वीन विक्टोरिया हो, इसका मतलब क्वीन विक्टोरिया नहीं है बट मान रहा है, मानो कि जैसे वो हेमा मालिनी हो, हो मानो कि जैसे, तो वर। ठीक है भाई, नेक्स्ट। द स्टूडेंट मेड अ नॉइज, इसके लिए मैं पिक्चर बना दूं जरा। ये हो गया हमारा V2। V2 से पहले, पास से पहले अगर कोई काम हो जाए तो पास परफेक्ट। हिंट दे दिया मैंने पिक्चर में आपको सारा। नेक्स्ट, चलो आ जाओ। द स्टूडेंट्स मेड अ नॉइज, मेड का मतलब है कौन से टेंस में शोर बचाया, पास्ट इंडेफिनिट में। इन द क्लास, क्लास में बच्चों ने, बच्चे ने, वैसे यहां प्लूरल था ये, बच्चों ने शोर मचाया आफ्टर टीचर के चले जाने के बाद। तो कौन सा काम पहले हो गया, टीचर के जाने का। शोर कब मचाया, बाद में। तो पास्ट इंडेफिनिट में अगर शोर मचाया तो टीचर पहले ही चला गया था, कौन से टेंस में, पास्ट परफेक्ट में। तो वेंट का क्या होगा, हैड गॉन। नेक्स्ट, लो भाई 20 में हिंट दे दे रहा हूं आपको, 20 में हिंट दे दिया। और टेंस का क्वेश्चन ना बिना हिंट के नहीं हो सकता, टेंस का क्वेश्चन बिना हिंट के हो ही नहीं सकता, आपको हिंट जरूर मिलेगा। यट का मतलब क्या है, अभी तक। और अगर यहां यट की जगह सो फार लिखा होता तो भी, सो फार का मतलब भी क्या है, अभी तक। और अभी तक के लिए कौन सा टेंस आएगा बताओ भाई, हाँ जी, कौन सा टेंस आएगा, यट सो फार अभी तक, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। तो कह रहा है उस कट्टर आदमी ने अभी तक कोशिश नहीं किया है छुटकारा पाने का अपने मेंटल कंफ्लिक्ट से और नैरो माइंडेडनेस से, अभी भी छुटकारा पाने की कोशिश नहीं की है अभी तक। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, हैज नॉट ट्राइड, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, अगला। इन एंशियंट एज, प्राचीन काल में, पुराने टाइम पे, मतलब पास्ट की तरफ जा रहा है, पुराने समय पे लोग जो है यूज टू, मॉडल अभी बताया था ना मैंने, यूज टू, लोग जो है महिलाओं को जला दिया करते, इसको चला दे भी, महिलाओं को जो है जला दिया करते थे विद देयर हस्बैंड्स पायर। और पायर क्या होती है, चिता, अर्थी बायर होती है। हाँ, सिर्फ सिर्फ पिटाई खाओगे तुम, सारा पढ़ा रखा है। पायर चिता, आग लगने के बाद चिता हो जाती है, कंधे पे रखते हैं, वो अर्थी होती है, बायर वो अल्लाह, हाँ, गौशाला अलग होता है। हाँ चलो बताओ, तो पुराने समय में महिलाओं को भी जला दिया करते थे लोग, उनके हस्बैंड की चिता के साथ साथ उनको भी जला दिया। मॉडल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, बेस फॉर्म। तो यूज टू मॉडल के साथ बर्नड की बेस फॉर्म क्या होगी, बर्न। किस किस का सही है ये,
डेयर गलत है, कहां गलत है अबे ओ नालायको, पीपल सही तो है, विमेन महिलाओं को उनके हस्बैंड के साथ, अबे तो महिलाएं प्लूरल नहीं है क्या, प्लूरल है तो देयर हस्बैंड ही तो आएगा, हाँ वो हिज लगाने बैठा है। नेक्स्ट 22, मैन हैज बीन ट्राइंग टू नो, इंसान जो है, यह मानव जाति की बात हो रही है, ह्यूमैनिटी, इंसान आज भी जानने की कोशिश कर रहा है द हिडन सीक्रेट्स ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो हिडन सीक्रेट्स हैं, कब से जानने की कोशिश कर रहा है, जब से इस सभ्यता का डॉन उदय हुआ था, डॉन डस्क इन सब, सनराइज सनसेट इन सब के साथ, ये क्या होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है बताओ, अगर मैं कहूं मॉर्निंग से कोशिश कर रहा हूं तो कौन सा आएगा, सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, फॉर मॉर्निंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ड्यूरिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो आंसर बताओ क्या आएगा, अबे चल क्यों नहीं रहा, तो आंसर क्या आएगा इसका, शाबाश मेरे शेरो, शाबाश मेरी शेरनियो, शाबाश, सिंस इसका आंसर होगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है, फ्रॉम, लिख लेना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में फ्रॉम आता है, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। लो भाई एक और क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बताओ जल्दी से, हाँ जी बताओ लीजिए, दैट सेंट, वो जो संत है, हैज नॉट बीन फॉलोइंग, फॉलो नहीं कर रहा है द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, कब से, बचपन से, बचपन से, अब चाइल्डहुड के साथ क्या आ जाएगा, सिंस, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ इसके साथ भी सिंस आएगा, फ्रॉम मत लगा देना, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, ये बताओ जरा, अभी मैंने एक बात बताई थी कि बिलोंग कैसी वर्ब होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट के साथ, वर्ब ऑफ स्टेट के साथ कौन सा टेंस यूज करोगे, सर पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम अभी बताता हूं क्या होता है, बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ऐसे मान लो, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं सुबह 7 AM से पढ़ा रहा हूं, तो 7 AM क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर मैं कहूं 11 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो 11 घंटे मतलब 11 hours एक ड्यूरेशन हो गया, उसमें आपको पॉइंट नहीं पता चला, लेकिन अगर मैंने कह दिया 7 AM तो ये हो गया पॉइंट, हाँ मैंने कहा आपसे 4 महीने से पढ़ा रहा हूं, तो 4 months इज अ ड्यूरेशन, और मैंने कह दिया मैं आपको जुलाई से पढ़ा रहा हूं, तो जुलाई इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, हाँ जी इसका आंसर बताओ क्या होगा, बिलोंग्स, लेकिन नालायक आदमी ये सिंस फॉर अ टाइम नहीं दिखाई दे रहा, जब टाइम दिखाई दे गया और तुमने यहां पर सपोज करो बिलोंग्स कर दिया, तो इसका मतलब बिलोंग्स जानते हो कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट, और आप कह रहे हो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ टाइम लगता है, सिंस और फॉर प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ किसने बता दिया बे बुड़बक, मुर्गा बना के अभी तेरा हलाल करूंगा ही भाई, हाँ जी तो ये टाइम मिल गया ना, अब अगर किसी ने ये देखो कॉन्टिन्यूस तो बना ही नहीं, हैज बीन बिलोंगिंग, कई बच्चों का मन कर रहा होगा कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना दो, लेकिन वर्ब ऑफ स्टेट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी तो कंटिन्यूस है, तो इसका आंसर होगा सी, परफेक्ट की स्ट्रक्चर देनी पड़ेगी। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा जो उसका मन कर रहा है, और वो काफी बच्चों का मन कर रहा होगा,
कि सर अगर यहां पर इतना ना होता, फॉर द लास्ट 20 इयर्स ना होता, चलिए अब मैं देखना चाहता हूं कौन इसका आंसर पकड़ेगा। हो जाओ मेरे शेर और शेरनियों तैयार फटाफट, कौन इसका आंसर बताएगा? इसका आंसर अगर यहां से यहां तक ना हो तो इसका आंसर बताओ। अगर ये टाइम हमें ना दिया होता तो देखते हैं कौन इसका आंसर बताएगा। हाँ जी बताओ। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? अबे वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये हेलमेट रखा सर में, मारूंगा तेरे भी। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? बड़ा तेज हो रहा है। हाँ जी, फिर इसका आंसर, क्योंकि टाइम तो है नहीं, टाइम नहीं है तो सिंपल टेंस बनेगा, और सिंपल टेंस बनेगा तो इसका आंसर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा, परफेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि टाइम नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट हो जाएगा, टाइम लगते ही वो परफेक्ट में चला जाएगा। लो, सेम कॉन्सेप्ट। अगर ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया तो डूब मरो जाके थोड़े से पानी में, क्योंकि अभी तो मैंने बताया सेम कॉन्सेप्ट। वर्ब ऑफ स्टेट का सेम कॉन्सेप्ट है, सेम चीज, बिल्कुल दिमाग में तुरंत घुस जाना चाहिए। सर आई वेंट टू आगरा में आगरा का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? चलो ये तो हम बताएंगे क्या होगा, पर तुम सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो। ऑप्शन में क्या क्या है? ऑप्शन में है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलो तुम बताओ भाई इसका आंसर पहले। तो भैया टाइम मिल गया ना, टाइम मिल गया तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ जाएंगे, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लेनी पड़ेगा क्योंकि ये क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट। तो इसका आंसर होगा हैव नोन। अच्छा अगर ये ना होता, ये इतना टाइम ना होता, बताओ भाई अगर इतना टाइम ना होता तो सीधा कहते कि मैं उसे जानता हूं, कब से जानता हूं वो नहीं दिया उसने, तो इसका फिर आंसर होता आई नो हिम, और आई के साथ एस आई एस नहीं लगेगा तो ये भी नहीं होगा। गुड, वेरी गुड, मजा आ गया भाई एनडीए वालों को, सीडीएस वालों को पढ़ाने में भी, इसका मतलब मेहनती हैं सारे बच्चे। ये बताओ जरा, ये बताओ फटाफट इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ जल्दी से। आंसर वाले सर की क्लास भी स्टार्ट होगी जल्दी, बताओ इसका आंसर। सर आप पतले हो गए हो, हाँ तुम्हारी याद में पतला हो गया हूं मैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से, प्रोनाउन होगा। वाह वाह, जिसने इसका आंसर प्रोनाउन कहा है कसम से उसको तो रस्सी में बांध के उल्टे पैर और दो मंजिल से नीचे लटकाना चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, और लटका के भय 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 डाल दो उसके अंदर। तो मतलब आगरा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आगरा इज द नेम, आगरा तो नाम है यार, ये नाम कैसे प्रोनाउन हो सकता है? कहां से लाते हो इतना सारा दिमाग? प्रीपोजिशन, इधर आओ देखो, इस सेंटेंस में आगरा जो है ये आपका क्या है? नाउन है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो भी स्टूडेंट तूने क्वेश्चन पूछा है और जहां से भी जैसे पढ़ा है, मैं आपको तुम्हें बता दूं आप पूछना क्या चाह रहे थे, आप गलत पूछ गए, ठीक है? क्योंकि आप अभी कहोगे सर आगरा यहां पर एडवर्ब है, लेकिन ना, सुनो मैं आपको दोनों पहलू समझाता हूं, तो आपके डाउट जो आप पूछना चाह रहे थे और नहीं पूछ पाए वो भी क्लियर हो जाएगा। वेंट क्या है? वर्ब। I went, मैं गया। Where?
टू आगरा, अगर मैं यहां से टू हटा दूं और मैं कहूं आई वेंट देयर, वेयर, देयर, कहां, वहां, तो इस देयर ने किसका आंसर दिया, वेयर का, और जो वेयर का आंसर दे वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगर मैं इस देयर की जगह कर दूं आई वेंट टू आगरा, तो बेटे जो टू आगरा है पूरा, इतना ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो टू आगरा है जिसमें टू भी आ जाए और आगरा भी आ जाए, ये काम करेगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये एडवर्बियल फ्रेज, ये प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस का। लेकिन अगर तुम सिर्फ पूछोगे कि आगरा क्या है, तो आगरा एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, सिर्फ आगरा पूछोगे तो आगरा यहां पर नाउन है, और टू आगरा कहोगे तो ये बन जाएगा वेंट का, वेयर का आंसर देगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये था वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हाँ वो पूछ कुछ और गया, उसे ये भी नहीं पता था कि पूछना क्या है। हाँ जी, यही पूछना ही चाह रहा था, हाँ हमें पता था आप यही पूछना चाह रहे हो। अब आपको ये भी हम ही बताएंगे कि क्या पूछना चाह रहे हो। हाँ, बिकॉज आई एम योर कार्डियोलॉजिस्ट। इसका बताओ फटाफट जल्दी से। इस देखो भैया, फॉर सिंस फॉर टाइम दे दिया ना, सिंस फॉर अगर टाइम दे दिया तो भैया टाइम का मतलब समझ जाओ, सिंस फॉर का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन एक समस्या है, ओन हमारी कैसी वर्ब होती है, ओन इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट में आईएनजी नहीं लगता, तो हमें सबसे पहले क्या काटना पड़ेगा, बीन। बीन अगर मैंने काट दिया तो बीन के काटने का मतलब है कि हैज और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और ओन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ओन्ड। हाँ, नेक्स्ट लो भाई, और हिंट एक ही है इसमें, एक ही छोटा सा हिंट है इसमें, नहीं नहीं आएगा। सो फार का मतलब है अभी तक, तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, और भैया प्रेजेंट परफेक्ट इसमें कौन सा है, दो है, एक तो ए है और एक बी है, लेकिन आपको सोच के बताना पड़ेगा क्योंकि यहां थोड़ा सा घुमावदार है, देखता हूं कौन पकड़ेगा इसको। हैज नॉट, बी 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 बी, सोचो अपने दिमाग से, न्यूज जो है किसी के दिमाग, किसी की मृत्यु की जो खबर है, क्या वो खुद डिक्लेयर होगी, न्यूज, क्या न्यूज खुद डिक्लेयर होगी, नहीं, न्यूज डिक्लेयर होगी किसी के द्वारा, और द्वारा का मतलब है पैसिव, और पैसिव में हैज हैव के पीछे क्या लगता है, बीन, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस मांग रहा है आपसे, घुमा के पूछ लिया उसने, गूगली कर दिया उसने आपके साथ। हाँ आ जाएगा, सर टीना एंड आय वाला क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। चलो भाई, इसका टीना एंड आय वाला क्वेश्चन भी दूर करो, क्या कहना चाह रहा है बच्चा इस क्वेश्चन को, इसमें हिंट ये पकड़ लो, टू दिस डे, टू दिस डे का मतलब होता है आज तक, आज तक, बताओ कौन सा टेंस लगेगा। इस बच्चे का क्वेश्चन क्या है, टीना एंड आई, टीना एंड आई आर डूइंग हर ऑब्लिक देयर वर्क, पहले तो बच्चे तेरा क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही नहीं बन सकता।
देखना इस बच्चे का क्वेश्चन टी नाइन वाई वाला क्वेश्चन होगा इसमें कहीं बच्चा, वो टी नाइन आई वाला क्वेश्चन ही तुम्हारा गलत है। एक बार पढ़ के बता इसमें क्या लिखा है। ऊपर होगा। चलो, टू दिस डे का मतलब है आज तक, और आज तक का मतलब है अभी तक, यानी कि कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट तक ला रहा है तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए पास्ट का या प्रेजेंट का कोई रोल नहीं है। और आई के साथ क्या लगेगा? हैव, तो सी विल बी द आंसर। ऊपर होगा, ऊपर और ऊपर। नहीं मिला, ये रही। नीचे। टीना एंड आई आर डूइंग हिज ऑब्लिक देयर वर्क। सर प्लीज बता दीजिए, बहुत कंफ्यूजन है, टीचर से कंफ्यूजर दूर नहीं हुआ। एक सेकंड करो इसको, क्वेश्चन को ऊपर देख भाई बेटा, ये क्वेश्चन तेरा गलत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि तुम इसमें हमसे पूछना चाह रहे हो कि सर ये आपके पास सब्जेक्ट है और इसमें एडजेक्टिव बता दो, यही पूछना चाह रहे हो आप इनडायरेक्टली। सीधी सी बात यह है, अगर सिर्फ टीना होती मैं सारा डाउट दूर करता हूं। सुन, वो क्वेश्चन ही गलत है तेरा। टीना अगर होती तो टीना का सब्जेक्ट एडजेक्टिव क्या होता? हर वर्क। टीना अपना काम करती तो हर वर्क, अगर आई अपना काम करता तो माई वर्क। लेकिन अब आपने हमें टीना एंड आई दोनों दे दिया है, तो सबसे पहले तो जो भी एडजेक्टिव होगा वो प्लूरल होगा, पहली बात। तो ये हर तो होने से रहा। दूसरी बात बेटा, इसमें क्योंकि आपने हमें आई भी दे दिया, अब आई का मतलब है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, और जब तक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रहेगा टीना और मैं, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जब तक रहेगा तब तक इसका एडजेक्टिव बच्चे आर रहेगा, आर प्लूरल में आर रहेगा, देयर हो ही नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी है। तो बच्चे वो तेरा क्वेश्चन ही गलत है। अगर सपोज करो यहां ये होता यू टीना एंड आई 2 3 1 और आई अभी भी है, तो यही आंसर होगा। और अगर इसमें आई ना होता तो फिर यू और टीना मतलब सेकंड और थर्ड पर्सन, फिर इसमें आंसर होता योर, क्योंकि अब कौन आ गया? सेकंड। जब तक सेकंड रहेगा फिर योर। और अगर बोले टीना एंड मीना, अब आ जाएगा क्या? देयर। बच्चे क्वेश्चन ही आपका जो था वो गलत था, ठीक है? हाँ, है? बात तो एक ही है, फर्स्ट पर्सन तो तभी भी है। बेटा आपका क्वेश्चन ही गलत था। आई डोंट नो कि जो टीचर जिससे भी आपने पूछा वो इसको क्यों नहीं पकड़ पाए, बट आपका क्वेश्चन ही गलत है। अब बता जरा, आया समझ में नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई फटाफट। लो भाई, negotiations with the bank are at an advanced level stage. Negotiations bank के साथ जो है advanced stage पर है, और we hope और हम आशा करते हैं to sign. लो भाई, infinitive में to के बाद verb की कौन सी form? Base form. Verb के बाद base form. तो यहाँ signed की जगह क्या हो जाएगा? Sign. To sign the deal soon. कि deal को हम sign करेंगे बहुत जल्द ही. नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नो सूनर डिड द स्टूडेंट्स सीन द प्रिंसिपल अप्रोच, जैसे ही प्रिंसिपल को आते हुए उन्होंने देखा वैसे ही दे रैन फ्रॉम द प्लेग्राउंड, वैसे ही वो प्लेग्राउंड से भाग गए। तो डिड का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, और डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा सी, डिड के साथ सी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 31। ही थिंक्स, उसे लगता है दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल, कि वो अपना सब्जेक्ट बहुत अच्छे से जानता है, एंड कैन टॉट दिस टू अदर्स ऑल्सो, और वो यह चीज दूसरों को भी पढ़ा सकता है। शायद इसमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता चुका हूं कि मॉडल के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म लगेगी,
गुड, वेरी गुड। और तो टॉट का क्या हो जाएगा बेस फॉर्म? टीच। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। लो, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, तुरंत पकड़ लो जल्दी से। लो भाई, इफ यू वॉन्ट टू कीप गुड हेल्थ यू मस्ट, भैया मॉडल के साथ SEIS नहीं आएगा तो मस्ट ईट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। पहले ये पढ़ो जरा, उसे पढ़ने से पहले तुम्हारा इसको पढ़ना जरूरी है, या तो पढ़ लो या लिख लो, तुम्हारी मर्जी है। इमेजिनरी एक्शन कोई से ना कोई से एग्जाम में टकरा जाएगा जरूर, इमेजिनरी एक्शन। हाँ, या तो इसे ऐसे लिख लेना या और करके, अगर इसका इन्वर्जन फॉर्म लिखना है तो इफ हट जाएगा, और इफ हटते ही सबसे पहले लिख लो, ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से लिख लो, ये बहुत ज्यादा आता है। हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा C1, कॉमा सब्जेक्ट 2 प्लस वुड हैव, मॉडल का परफेक्ट बनाना है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा। ये ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वर्जन फॉर्म में भी लिख सकते हो, और आप कंजेक्शन से भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके आपको मिल गए हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अभी आगे चल के। कतई जहर वाले, इसको लिख तो ले पहले। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलो अब देखो जरा, देखो हेड से स्टार्ट किया है, अगर हेड से स्टार्ट किया है इसका मतलब ये इन्वर्जन वाली फॉर्म में लिखा है इसने, तो इसको मैच करो अपनी स्ट्रक्चर से। हैड आई नोन इट अर्लियर, अगर मैं इस बात को पहले जानता होता या मुझे पता होता, आई वुड, बेटा मॉडल के पीछे, अगर आपको मॉडल परफेक्ट बनाना हो, सुन लो ध्यान से, अगर मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाना हो, मॉडल को मॉडल परफेक्ट बनाना हो, जैसे मान लो शुड है, और अगर इसका परफेक्ट बनाना है तो शुड के पीछे क्या लगेगा? हैव, शुड शुड हैव, कुड कुड हैव, विल विल हैव, शैल शैल हैव, कभी भी मॉडल को अगर मॉडल परफेक्ट बनाते हैं तो हैड या हैज का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगाओगे? हैव, और वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैनी आके क्या आएगा? तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब पढ़ाऊंगा ना तब नहीं पूछोगे ये वाली बातें, हो गया ये? नेक्स्ट। लो भाई, सेम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है जो अभी कराया आपको। है? क्या मतलब? नहीं नहीं, इट बीइंग डार्क नाइट, अंधेरी रात होने की वजह से यू मस्ट ब्रॉट, भैया मस्ट मॉडल के पीछे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। तो क्या हो जाएगा आंसर? ब्रिंग। ब्रॉट की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म क्या होगी? ब्रिंग, मस्ट ब्रिंग। लो भाई, अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है इसमें, और इस कॉन्सेप्ट को हिंट देने के लिए मैं आपको क्या बताना चाहूंगा विद हिज फ्रेंड्स एंड, ये रहा एवरी डे का मतलब कैसा एक्शन है? रेगुलर एक्शन। और रेगुलर एक्शन का टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट इनडेफिनिट।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हम इसमें क्या करेंगे भैया, इज गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि वो कह रहा है मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ रोजाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोला सम? पीपल, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि महिलाएं कैन नॉट नहीं कर सकती पुरुषों के साथ, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, पता नहीं कौन से लोग मानते हैं। महिलाएं तो खूब कम्पीट कर रही हैं, अब तो एनडीए में भी कर रही हैं, कुछ दिनों में एयरफोर्स में भी करने लग जाएंगी। लिखिए सब पीपल भैया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि बिलीव इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, और वर्ब ऑफ स्टेट का यूज कॉन्टिन्यूस में नहीं होगा, तो ये हो जाएगा सम पीपल बिलीव। नेक्स्ट, अगला लो, सेम कॉन्सेप्ट पे है, बताओ लेकिन करेक्शन ढंग में करके बताना। बिलोंग वर्ब ऑफ स्टेट, बट मुझे करेक्शन प्रॉपर चाहिए। लोग जो बिलोंग नहीं करते किसी नेशनलिस्ट पार्टी से, वो कंट्री को डिवाइड करना चाहते हैं। जूता खाया तूने कभी? पीपल डज होता है। हाँ जी, अब हम इसे नॉट है तो हेल्पिंग को भी चाहिए, तो पीपल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डू, और बिलोंगिंग का क्या हो जाएगा, बिलोंग, तो पीपल हु डू नॉट बिलोंग। पूरा सही किस किसने किया है? पीपल हु बिलोंग्स टू, अबे वो नालायक, पीपल तो वैसे प्लूरल है, बिलोंग्स तो तब भी नहीं आ सकता, बुद्धि का प्रयोग कर लो थोड़ा सा। अच्छा ये वर्ब ऑफ स्टेट देखो मैंने सारी लिख रखी है यहां पे, है? हाँ फिर आ गई है बिलीव, ये रहा ना वर्ब ऑफ स्टेट, सारी लगभग जो आती है वो लिखी हुई है यहां पे। लो बताओ, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही लग रहा है, दोनों को उड़ाओ जल्दी जल्दी फटाफट, 38 का आंसर, 39 का आंसर। लो भाई, I have seen her only once, मैंने उसे एक बार देखा है, लेकिन मैं उसे बहुत पसंद करता हूं। इतनी बार देखा है, एक बार, बट एक बार में ही मोहब्बत हो गई इसको, मतलब एक बार में ही पसंद करने लगा। लेकिन लाइक इज अ फीलिंग, ठीक है जी, लाइक इज अ फीलिंग, जैसे लव इज अ फीलिंग, तो लाइक इज अ वर्ब ऑफ स्टेट, मतलब लाइक और डिसलाइक दोनों ही वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है जी। तो आई एम लाइकिंग नहीं होगा, सीधा क्या होगा, आई लाइक, और एम बिलीविंग तो मैंने अभी आपको बताया ही है क्या हो जाएगा, आई बिलीव। नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, हिंट इसमें, हिंट मैंने अंडरलाइन कर लिया, अब तो 2 सेकंड में पकड़ लोगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर हम टाइम दे दें सिंस और फॉर के साथ मिला के, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में बदल जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। माचिस तो यू ही बदनाम है, आग तो आग, ये जुमले छुड़वा लो तुमसे, जुमले तो बहुत छोड़ते हो। इधर देखो, टाइम दे रखा है ना, अगर टाइम दे रखा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, तो वी हैव बीन ट्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट, सेम कॉन्सेप्ट, लेट्स सी कौन पकड़ेगा इसे। फास्ट
उठाएं सर। अच्छा बताओ जरा स्पीड लिख के बताओ फटाफट, सही चल रहा है या थोड़ा सा अप कर दिया जाए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। लो भैया ये रहा, फॉर द लास्ट फोर डेज टाइम मिल गया तो कौन सा टेंस बनेगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आंसर क्या होगा, ये वी के साथ हैव, वी हैव बीन वर्किंग अप। ठीक है चलो अप कर देते हैं, उठाओ फटाफट जल्दी से बताओ कहां गलती है जल्दी। मैं कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं उसको कब से, फॉर द लास्ट टू डेज। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है उसका क्वेश्चन आते तुरंत छोड़ देंगे उसे, ठीक है, और जो नया आएगा उसको पकड़ लेंगे, तो स्पीड भी मेंटेन रहेगी। अब कह रहा है टाइम दे दिया, टाइम के साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं आएगा, कौन सा आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो 42 का आंसर होगा आई हैव बीन ट्राइंग। लो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ, सिर्फ ये लिखो ए बी सी डी क्वेश्चन, लेकिन बहुत बढ़िया है। हिंट आपको दे देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे तुरंत फंस जाएंगे, बस इतना सा ध्यान रख लेना। हाँ अब आप कुछ लोग तो समझ गए, स्पैस्मोडिकली वो वोकैब का अर्थ होता है इररेगुलरली, इररेगुलरली, रुक रुक कर। हिंट यहां भी है और हिंट यहां भी है। अब कुछ लोग तुरंत, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा, लेकिन सोच समझ के देना भैया, मैंने हिंट बता दिया आपको। वी हैव बीन ट्राइंग, ट्राइंग तो गया, ये वाला बताओ सर इसका कौन सा आएगा, ए बी सी डी। देखो भाई द पॉन्ड वॉज फ्लडेड विद वॉटर, पॉन्ड जो है वो पानी से फ्लडेड था, था मतलब सुन लो, था मतलब कब था, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि बारिश 3 दिन से हो रही थी, तो उससे भी पहले, पास्ट का पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी। लेकिन ये बताओ, अगर अब बताओ इसका आंसर, देखता हूं कौन इसका आंसर देगा। द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वॉटर, द पॉन्ड इज फ्लडेड विद वॉटर, वॉज की जगह इज फ्लडेड विद वॉटर, अब इसका आंसर दो। सर अभी तक सोए नहीं क्या बेटा, रात को सोने का काम शेरों का नहीं होता है, इसीलिए देखो कितने हैं, 4,353 लोग अभी भी जागे हुए हैं। ठीक है, जब लोग सो जाते हैं ना तब हम जागते हैं, ठीक है। हाँ आंखों में नींद है वो तो होती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसीलिए लोगों को सोने दो, आप मेहनत करते रहो, कभी तो ये खुदा अपने ऊपर भी निगाह डालेगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, कभी तो अपना भी दिन आएगा। चलिए सुनो ध्यान से, पॉन्ड जो है पानी से भरा हुआ है, क्योंकि अभी है, तो इसका मतलब 3 दिन से बारिश हो रही थी, नहीं हो रही है, अब ये प्रेजेंट में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, अब होगा हैज बीन रेनिंग, अब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कहां है ये रहा, सिंस 8 o'clock दिस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसकी जगह हैज बीन। तो शायद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लो भाई दोनों का आंसर बताओ, एक बच्चा कह रहा है सर कंप्राइजिंग तो होता है, मेरे प्यारे बच्चे मैं एक ही बात बोलूंगा, बाकी तुम्हें जो बोलना है बोल लेना, कंप्राइजिंग कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता, इज एम आर वॉज वर के साथ नहीं पॉसिबल है, कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता,
या तो वो होगा पार्टिसिपल या वो होगा जिरेंड, तो आईएनजी लग सकता है लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब आई डोंट नो तुम्हें कहां से कॉम्प्राइजिंग दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं एक ही बात बोलूंगा, वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, बात खत्म। अब तुम उसे किस फॉर्म में रट रहे हो, सुनो ध्यान से। मैं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 4 आवर्स। तो बेटा 4 आवर्स जो है 4 घंटे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, 4 घंटे है पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या लगेगा 4। हाँ, अगर वो ये कहता कि मैं 5 PM से पढ़ रहा हूं, तो 5 PM क्या हो गया, एक पॉइंट ऑफ टाइम, तब क्या लगता, सिंस। ऐसे ये देखो 3 सालों से, अब 3 साल क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 4। लेकिन अगर वो ये 2019 से कर रहा हूं, तो 2019 उस साल का नाम है, तो ये पॉइंट मिल गया, इसके लिए आ जाता सिंस। दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, बढ़िया क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट, इस सेंटेंस में एक ही क्लू है बस, और पहले क्वेश्चन में मैं क्लू बता के चला था कि यदि हमें पास्ट में टाइम दिया हो और उस दिए हुए टाइम में हमसे एक्शन कराए, और जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एगो टाइम कहां लेके जाता है, पास्ट में, तो अगो अगर पास्ट में टाइम लेके जाता है तो इसका टेंस कौन सा रहता है, पास्ट इंडेफिनिट। ये पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले लेना, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए कुछ नालायक मुझे पक्का पता है इस हैव का हैड कर देंगे, लेकिन हैड करते ही ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा तो और गलत हो जाएगा, तो इसीलिए यहां पर हैड लेफ्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ हैव को हटाना है और सिर्फ क्या बताना है, लेफ्ट। ऑप्शन में देखो पक्का एक दो ने हरकत करी होगी, ये कर रखा है सचिन पायलट, सचिन जयसवाल, क्या बात, सचिन नाम के निकम्मे है सारे। अभिषेक तिवारी हेड लेफ्ट, दिलीप यादव हेड, देखा हमें पता है कि बच्चे कहां गलती कर सकते हैं। हाँ मुझे पता, इसीलिए मैंने पहले बोला, हाँ बिल्कुल, अब इस 11 साल के एक्सपीरियंस में बच्चों की नसें तक जान जाते हैं कि कहां क्या हरकत होने वाली है। ही वॉज वॉचिंग टीवी पास्ट में, वो पीटी देख रहा था जब उसका मित्र आया, जिस में टीवी देख रहा था उसी समय आया, और वो देख कब रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो मतलब प्रेजेंट का तो कोई लेना देना नहीं है। 2 ऑप्शन बचे, बताओ, लगाओ दिमाग, पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सर मैं विकास दुबे यूपी वाला हूं, कह रहा हूं यूपी वाला हूं, बेटा गाड़ी पलट जाएगी। सर मेरा डाटा खत्म हो गया, ला अपना नंबर बता, तेरा फोन पे करता हूँ, 10-20 रुपए तो पड़े ही होंगे, पर तेरा भरोसा नहीं तो रिचार्ज कहीं और करवा दे। अब मुझे इतना दर्द होगा ना कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, बताओ भाई। देखो बेटा, जिस टाइम वो टीवी देख रहा था उसी टाइम, उसी वैन का मतलब है उस टाइम, जब अगर उससे पहले बोलता तो बिफोर कुछ लगाता तो फिर उससे पहले था तो पास परफेक्ट, लेकिन उसी टाइम आया तो पास्ट इंडेफिनिट। नालायक को हेड अराइव मत लगाओ, हेड अराइव मतलब होता कि पहले आ गया था, लेकिन जब वो आया उस समय वो देख रहा था, तो उसी समय आया जब वो देख रहा था, तो उसी समय अगर हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, उससे पहले हो गया होता तो पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, लो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से लगाना जरा। सर कामना कनौजिया क्या कह रही है, अरे भाई वो कह रही होगी जो भी कह रही होगी, तुम अपने पे ध्यान लगा लो यार, ये तो तुम बहुत ध्यान रखते हो, कौन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान नहीं रखते। हाँ भाई बताओ,
सर कितने क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन जितने भी हो क्या फर्क पड़ता है, हैं? तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, छोड़ दो बेकार की बात। हाँ, पढ़ने वाला ये नहीं पूछा कितने क्वेश्चंस और हैं। वी रीच्ड द ऑफिस, रीच्ड मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हम ऑफिस कौन से टेंस में पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट में, और जल्दबाजी में पहुंचे, लेकिन ऑफिसर जो है वो अर्लियर मतलब पहले ही निकल गया था, तो पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन है बेहतरीन, ऐसे पिक्चर से बना दिया करो तो हेड लेफ्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लो, सेम कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। सर आपका वेट कितना है? क्या ही बताऊं, तुम्हारे तो हरकत पिटने वाली रहती है। मेरा वेट अब तो आजकल बढ़ गया है, 87 समथिंग, 87 हो गया। हाँ नहीं, पहले थोड़ा सा घट गया था, पहले 83 हो गया था एक बार, फिर 87 से 92 हो गया था, अब 92 से 87 पे है, अभी बढ़ा हुआ है, नेगी की तरह घटाना पड़ेगा मुझे, ये माइनस में है। बिफोर द कारपेंटर केम, केम मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, और बिफोर मतलब उससे, तो कारपेंटर के आने से पहले शी जो है वो फ्लोर को पॉलिथीन शीट से कवर कर चुकी, पास्ट परफेक्ट। सर द्रोणा बैच में टी शर्ट, द्रोणा बैच वालों सुधर जाओ तुम लोग, नहीं तो तुम्हें नहीं तो तुम, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, उड़ाओ ये फिर से हो जाएगा, नहीं तो कल क्लास में पीटूंगा सभी को, फिर देख लेना, यहां भी हरकत करने से बाज नहीं आओगे तुम लोग। नेक्स्ट, ऑन रीचिंग द स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस पहुंचने पर ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू लर्न, जब वो स्कूल कैंपस पहुंचा तो वो इस बात को लेकर बड़ा निराश हुआ कि बस जो है वो पिकनिक के लिए जा चुकी थी, तो वो निराश हुआ पास्ट इंडेफिनिट में, इसका मतलब है कि बस उससे भी पहले जा चुकी थी। हाँ तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हेड लेफ्ट। लो भाई, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, बहुत देर से एक बच्चा पूछ रहा था कि सर कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉपी कर लो फटाफट जल्दी से, कितने क्लॉज होते हैं इसमें, C1 और C2 दो क्लॉज होते हैं, एक होता है हमारा कंडीशन वाला क्लॉज, जिस उसके साथ कंजेक्शन लगा हो उस क्लॉज में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसी में क्या होती है कंडीशन, और दूसरे वाले क्लॉज में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें क्या आता है रिजल्ट। तो आपको शॉर्टकट से कैसे पकड़ना है, कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे अभी और 10 के 10 स्पीड में करूंगा मैं, दोबारा सुन लो, जिस क्लॉज के साथ कंजेक्शन जुड़ा हो उसी क्लॉज में बस तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर देना, क्योंकि कंडीशन उसी में होती है। एनडीए में कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हाँ गुरुजी आनंद आ रहा है, आनंद लेते रहो बस। तो देख लो भाई जल्दी से स्ट्रक्चर, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इफ प्लस सब्जेक्ट,
तो कंजक्शन वाले में प्रेजेंट डेफिनेट, और अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला क्लॉज पहले दे दे और कंडीशन वाला आगे दे दे, तो फिक्स नहीं है, बीच में भी आ सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है। मैं तो बस कंजक्शन पकड़ लेना, और कंजक्शन मैंने यहाँ इफ लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं इफ है, कंजक्शन कोई सा भी आ सकता है, इन केस भी आ सकता है, एज सून एज भी आ सकता है, कंजक्शन कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन करने के लिए हो जाओ तैयार, 2 सेकंड में आंसर बताना है, 2 सेकंड में तुरंत देखते ही आंसर बताना है, तैयार हो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के। हाँ भाई अभी थके तो नहीं हो, एक बार कमेंट बॉक्स में प्रेजेंस लगाओ, यस या नो, जल्दी फास्ट। पानी लाना, बताओ जल्दी फटाफट, फिर चलते हैं आगे। मैं छत पर बैठ के ले रहा हूं, क्यों नीचे क्या आफत आ गई, क्यों भाई छत पर बैठने की क्या जरूरत होगी। चले आ जाओ तो फिर स्टार्ट, गुड। लो भाई आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, ए बी सी डी, ए बी सी डी। सर आपके लिए लड़की थी तो, ये भी यार अगर तुम्हें गालियां दूं तो फिर तुम बोलोगे कि सर सोशल मीडिया पे ही गाली दे रहे हो तुम। हाँ जी बताइए, आंसर देखिए, ये रहा कंजेक्शन, एज सून एज, कह रहा जैसे ही मैं कोलकाता पहुंचूंगा वैसे ही तुम्हें किताबों का पार्सल भेज दूंगा, लेकिन पहले तो कंडीशन ये है कि वो पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो यहीं पर कंडीशन है, तो इसी में आई के साथ क्या होगा, रीच, रीच इज नहीं होगा। गुड, नेक्स्ट, अगला बताओ फटाफट तुरंत, दोनों क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे हैं, दोनों कॉन्सेप्ट कहां से हटाऊं फ्यूचर बताओ, दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हैं। Now come here. Where is the conjunction, guys? When? और conjunction वाले में ही future नहीं बनेगा तो shall वहां से हट जाएगा। ये रहा conjunction कहां है ढूंढो, if, तो यहीं से क्या हटा दोगे, will। देखो 2 मिनट में तुरंत देखते ही आंसर आ जाएगा, conjunction वाली ट्रिक से तुरंत निकाल दे, दोनों में बताओ फटाफट, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, ढूंढो conjunction मेरे साथ फटाफट जल्दी से, कहां है conjunction, ये रहा, as soon as, लो विल हट जाएगा यहां से, इसमें वैन, ये रहा कंजेक्शन, यहां से हट जाएगा। तो इस ट्रिक से तुरंत मीनिंग भी निकालने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत पकड़ लोगे वहां से कि कौन से कंजेक्शन में से फ्यूचर हटेगा, कौन से क्लॉज से, ये बताओ जरा। एक ट्रिक है इसमें, ये पकड़ लो जरा, सर खाना भी बनाना है दया करो, अरे देवी जी खाना बनाना है तो आप एक काम करिए ना, मोबाइल को ऐसे रख लीजिए साइड में, खाना बनाते रहिए, क्या दिक्कत है, मोबाइल की क्या समस्या है। चलिए भैया, तो लास्ट वीक का मतलब है पास्ट का टाइम, और पास्ट का टाइम का मतलब होता है पास्ट इनडेफिनिट। हाँ जी, नेक्स्ट, लो भाई एक बच्चा पूछ रहा था सर फ्यूचर परफेक्ट समझा दो, बाय लंच टुडे का क्या मतलब है, आज, पहली बात तो टुडे मतलब प्रेजेंट, और बाय लंच का मतलब है लंच से पहले पहले,
तो फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले ही अगर कोई काम पूरा हो, फ्यूचर में दिए हुए टाइम से पहले ही अगर कोई काम पूरा हो जाए तो कौन सा टेंस लगाते हैं भैया? फ्यूचर परफेक्ट। तो आंसर क्या होगा इसका? विल हैव टाइप्ड, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। एवरी नाइट, बताओ जरा एवरी नाइट का क्या मतलब है? हाँ जी बताओ। शक्ति बैच में कब कराओगे टेंस? तुम्हारा शक्ति है? हाँ तो तुम मंडे से स्टार्ट हो जाएगा शक्ति वाले में, मंडे ट्यूसडे से है? अच्छा नहीं, केवल इन्हीं के बैच में रहेगी। ये लेट लेट है ना, इनका सबसे लेट वाला बैच था। नहीं, शक्ति बैच सबसे लेट वाला है, तो इसने चेंज कर लिया होगा ना अपना बैच। ये नालायक है। इज ब्रशिंग, इज ब्रशिंग की जगह क्या होगा बेटा? ब्रशेस होगा। ब्रशेस क्यों हुआ? ब्रशेस, ब्रशेस इसलिए हुआ क्योंकि हर रात को रूटीन एक्शन, और रूटीन एक्शन मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओहो, सिंस वाला कॉन्सेप्ट आ गया भाई, इसको तो पिक्चर से ही समझना पड़ेगा। सिंस के साथ जब दो क्लॉज दिए हो तो एक क्लॉज में कौन सा टेंस रहता है? पास्ट इंडेफिनिट। और एक क्लॉज में कौन सा टेंस रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस वाले क्लॉज में हमेशा कौन सा रहेगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब से वो यहां से गया था तब से लेकर अब तक, तो देखो कौन से दो क्लॉज जुड़ते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो, आपको सर मजा आ गया बात में, पहले सुन लो, पेपर में आता है। Since he left, जब से वो गया तब से लेकर अब तक, तो वो गया कौन से टेंस में गया? पास्ट इंडेफिनिट में गया, since he left। क्योंकि since के साथ जो क्लॉज बनता है वो पास्ट इंडेफिनिट का बनता है, क्योंकि हम टाइम भी कहां से उठा के लाते थे? पास्ट से। तो क्लॉज भी कौन सा बनेगा? पास्ट से। तब से वो, जब से वो यहां से गया तब से लेकर अब तक, तो तब से लेकर अब तक कौन सा टेंस बनता है? पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक कौन सा टेंस बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। तो तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, और जो काम पास्ट में हुआ सिंस के साथ वो पास्ट इंडेफिनिट। इस पिक्चर को लिख लो फटाफट। आंसर बताओ। अब कह रहा है सिंस माय फादर ज्वाइंड द पोस्ट, तो पिताजी ने पोस्ट ज्वाइंट की कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। तब से लेकर अब तक उन्होंने घूस नहीं ली है तो हैज नॉट टेकन, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, बाय टुमारो आफ्टरनून, इसका मतलब फ्यूचर में टाइम दिया है, कल दोपहर तक, तो फ्यूचर में दिए हुए टाइम से पहले, बताओ कौन सा टेंस लगेगा? सदियां हो गई तुम्हें चाहते हुए, तुम आज भी कल की तरह बेखबर हो। आशिकों की सेना भरी हुई है मेरी क्लास में। कौन सा आंसर होगा भैया? फ्यूचर में। तो कह रहा है कल दोपहर तक प्लेन मॉरिशस के लिए उड़ चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट।
मॉरिशस. नेक्स्ट अगला, माई सिस्टर हैड गॉन टू लंडन फॉर हायर स्टडी अ मंथ अगो. हिंट आपको दे दिया है, नेक्स्ट अगला बताओ. तो हैड गॉन की जगह क्या हो जाएगा, वेंट, क्योंकि एगो मतलब पास्ट इंडेफिनिट. लो भाई ये क्वेश्चन तो मैंने शायद करा दिया था. अच्छा बताओ, टाइम दे रखा है, इसका थोड़ा सा ख्याल रख लेना. चारों ऑप्शन कौन सी डेट में सेम पूछा है, 2019 में. और तुझे अभी तक भी याद है कि 2019 में यही पूछा था, तो 2019 में इसने पक्का ये मारा होगा डी. हाँ तो यही तो मारा होगा इसने, क्योंकि आई नो हर लगा दिया होगा सीधा. और ये कौन देखेगा यहाँ है, तो बी इसका आंसर होगा. तो भैया ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि नो इज द वर्ब ऑफ स्टेट, तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा. और ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, टाइम दे रखा है तो परफेक्ट की तरफ जाना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बताया था. उत्कर्ष द्रोणा बैच में टी शर्ट, ये द्रोणा बैच वाले ना पिटेंगे पक्का. नहीं, द्रोणा बैच वालों को आधों को मिल गई है, आधों को नहीं मिली है. तो जिनको नहीं मिली है वो निकम. हाँ ये वही है, जिस जिसको टी शर्ट नहीं मिली है द्रोणा बैच में, कल उनका काल है. बिल्कुल कल ही क्लास रखूंगा संडे में उनकी, कल देखना तुम लोग. ये पक्का वही है निकम में. लास्ट मंथ मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट. लास्ट मंथ, लास्ट टाइम, लास्ट प्लस टाइम मतलब पास्ट इंडेफिनिट. और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या जाएगा, टेक का सेकंड फॉर्म टुक प्लेस. तो टेक थर्ड फॉर्म तो सब्जेक्ट के बाद कभी भी वैसे भी नहीं आ सकती डायरेक्ट. लो भाई इस सेंटेंस में भी आपको हिंट दे दिया उसने. देखिए भाई एगो का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और बिगिन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिगेन. तो थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं आ सकती. किसका प्रीपोजिशन. नेक्स्ट, हाँ, द नोटोरियस गैंग ओपन्स द डोर. उस गैंग ने दरवाजा खोला चुपके से, चुपके से उसने क्या खोला, दरवाजा खोला, एंड एस्केप्ड वी टू, और वो भाग गए, भाग गए अंधेरे में वो सब चुरा के जो उन्होंने कलेक्ट किया था. तो दरवाजा प्रेजेंट में खुला होगा या पास्ट में, पास्ट में खुला होगा, ओपेंड. ओपन नहीं बेटा, ओपेंड पास्ट में आएगा. इसको देखते हैं कौन बताएगा. ये एक जनरल फैक्ट है कि जब कोई हमसे बात करता है तो हम उसे
जब कोई हमसे बात करता है तो हम उसे देखते हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम राइटर को नहीं देख पाते हैं। लिखने वाले को कहां देख पाते हैं, किताब में तो देख ही नहीं सकते, लेकिन जब कोई हमसे बात कर रहा है तब तो हम उसे देख लेते हैं, लेकिन जब किताब से पढ़ते हैं तो किताब वाले को नहीं देख सकते हम। तो ये बात तो कल भी सत्य थी, ये आज भी सत्य है, तो अब बताओ इसका आंसर। बागेश्वर आए हो? नहीं बेटा, बागेश्वर नहीं आया हूं मैं। हाँ जी, तो अगर ये जनरल फैक्ट है तो इसका आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट हिंट मिल गया भाई फिर से आपको। ऑल ऑफ अ सडन सुंबीर रिमेंबर्ड, अचानक से सुंबीर को याद आया, रिमेंबर्ड कब याद आया? पास्ट इंडेफिनिट में, कि वो जो है ऑफिस को लॉक करना भूल गया था। तो लॉक करना कब भूला होगा? पहले, तभी याद कब आएगा? बाद में भाई, याद तो आपको वो चीज कब आएगी? बाद में आएगी। तो याद आया पास्ट इंडेफिनिट में, तो लॉक कब करना भूल गया था? पहले, कि उसने नहीं किया था। कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा? बी, हैड नॉट लॉक्ड। हाँ सही है, यही सही है। लो भाई, प्रदीप और प्रहलाद यूज टू वर्क फॉर ऑलमोस्ट 12 घंटा काम किया करते थे फैक्ट्री में। लेकिन यूज टू वर्क का मतलब कौन सा टेंस है? ये यूज टू वर्क का मतलब है पास्ट की बात चल रही है। यूज टू वर्क, पास्ट में काम किया करते थे, रूटीन, पास्ट का रूटीन। जहां पर दे अर्लियर, अर्लियर मतलब जहां वो काम कर रहे थे वहां की बात कर रहा है, आप अभी की बात नहीं कर रहा है। तो अगर अर्लियर पास्ट की बात कर रहा है तो बताओ कौन सा होगा? पास्ट इसमें कौन सा ही है? जहां पर वो काम कर रहे थे। क्वेश्चन धांसू है तो आंसर बताओ जरा इसका। सर क्लास कितने बजे खत्म होगी? तुम कहो तो अभी खत्म कर दूं है भाई, बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में जरा। कैच्ड फायर, कैच्ड फायर, अच्छा कैच का सेकंड फॉर्म किया क्या इसने? कैच, कैच का सेकंड फॉर्म तो कॉट होता है। अच्छा कैच्ड फायर, वाह शाबाश मेरे शेर, वाह। कैच का सेकंड फॉर्म कैच्ड, ये वो वाले नालायक हैं जिनको वर्ब लर्न करने की टेंशन नहीं है, ये चाहते हैं ईडी लगा दो सब में। हाँ वाह शाबाश बेटे। फुलिशली मूर्खता से प्रिया ने थ्रू मतलब सेकंड फॉर्म पानी फेंक दिया था इलेक्ट्रिक हीटर पे, जब इसने आग पकड़ ली और शी गॉट अ शॉक। इसका मतलब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, तो शॉक पास्ट में लगा, पानी पास्ट में फेंका, तो आग भी कब फेंकी होगी? उसी समय। तो कैच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉट, ना कि कैच्ड। सर में मार दूंगा कैच्ड निकाल के भी, वर्ब तो याद कर मत लेना, नहीं तो आग तो तभी पकड़ेगा ना जब फेंकेगा, पहले थोड़ी पकड़ लेगा आग। ये पढ़ो ध्यान से, हिंट आ गया यहां पे। उसने अपनी बची हुई शर्ट निकाली, तो कौन से टेंस में निकाली? पास्ट में। और उसी समय वो बहुत ज्यादा क्या हुआ? निराश। When he discovered, जब उसी समय उसने पाया कि जो वो निकाली हुई शर्ट है वो भी फटी हुई है या फटी हुई थी। हाँ। सर हमारे मेरठ में भी ब्रांच खोल लो। आओ भैया, इसकी जगह क्या हो जाएगा? Was। हाँ हाँ
सर थ्योरी बेटा हिस्ट्री थोड़ी है ये भाई। आई रीच द हाउस, रीच मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। मैं घर पहुंचा थका हुआ और बहुत ज्यादा निराश था जब मुझे पता चला कि मेरे पिताजी जो हैं, तो ये कब पता चला उसे, पास्ट में, और उस पहुंचा भी कब वो, पास्ट में, और पिताजी कब निकल गए थे, जब उसे पता चला उससे पहले। ढूंढो, चार ऑप्शन है आपके पास। कौन सा, हैड जस्ट लेफ्ट, हाँ बिल्कुल बी आंसर हो जाएगा। अब आप पकड़ चुके हो मेरी रफ्तार को और कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हो, उड़ाओ क्वेश्चन फटाफट। नोबडी न्यू, न्यू मतलब कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी नहीं जानता था कि मैंने अपना दिन कहां बिताया था, क्योंकि किसी को भी मेरी परवाह नहीं थी। तो ये भी पास्ट, ये भी पास्ट। अब ढूंढो फटाफट, चार ऑप्शन आपके पास है। सर बेन था, मोहब्बत हो गई आपसे, वाह बहुत बढ़िया। एक का एक गुरु बैठा हुआ है, आशिक बैठे हैं सारे के सारे। पास्ट, अब सुनो, प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्यूचर, तो आंसर सेकंड फॉर्म, स्पेंड का स्पेंट। लीजिए द डायरेक्टर आ, ये सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही पूछा था आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन इसी के ऊपर था। रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ गई है, पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है पास्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में आ गई है तो स्पीच भी किस में आएगा, पास्ट में। अब ढूंढ लो जरा, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट आंसर विल बी डी, सी, बी। सर मैं आपका पेड कोर्स लेना चाहता हूं, पेड कोर्स तो है ही नहीं है भाई। जब फ्री में चल रहा है तो फिर पेड कोर्स की क्यों करना। हाँ, नेक्स्ट, अगला। When we reached the shop, जब हम शॉप पे पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट। जब हम शॉप पे पहुंचे तो हमने पाया, तो हम पहुंचे कौन से टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट में। पाया भी कब होगा, उसी समय कि दुकानें क्लोज हो चुकी थी, तो उसी समय क्लोज हो चुकी थी। तो ये बात कब पाई गई, पास्ट में, पहुंचे पास्ट में तो उसी समय पाया। तो फिर फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या होगा, फाउंड। पेड कोर्स लाओ सर अनअकैडमी पे, किसने कहा ये, देखना जरा इसका नाम पढ़ना कौन है, ये नाम भी ऐसी जगह ले दिया जहां। उससे अच्छा तो मैं फ्री ना पढ़ा दूंगा आप लोगों को, है भाई। हाँ, प्रैक्टिस तो खूब है वहां, थोड़ा क्या है वो, फिर वो तो बेसिक से पूरा, जैसे फर्स्ट टाइम स्टूडेंट जो कोई पढ़ रहा उसके लिए। हाँ, सैड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसका स्पीच भी किस में होगा, पास्ट में। कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कुड। नेक्स्ट, अगला। देखो भाई यार, पता है क्या, आप बार बार कमेंट बॉक्स में मत लिखो, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है,
मैं एक छोटी सी आपको बात बता दूं, मैंने पहले भी ये कई बार सवाल उठा था, कई बार बच्चे कहते हैं सर आप अनअकैडमी पे क्लास ले लो, ये ले लो, वो ले लो। उसका एक छोटा सा कारण है, मैं आपको एक छोटी सी सच्चाई बताता हूँ। मैं ये नहीं कहता जो टीचर अनअकैडमी में पढ़ाते हैं वो गलत है, वो भी अपनी जगह सही है, ठीक है, गलत कुछ नहीं होता, लेकिन हर किसी का अपना एक उसूल होता है। भाई मेरा कहना ये है, मानना ये है कि सपोज करो मैं आप लोगों को अनअकैडमी पढ़ाने लगा, मान लो छोटी सी बात, क्या होगा कि अकेडमी जो भी है वो उसकी पॉलिसी है वो कहती है कि 5,000 रुपए का एक सिलेबस बच्चे को देना है, या 2,000 का सिलेबस देना है, या 10,000 का सिलेबस देना है। मैं तुम लोगों से कहूंगा कि 10,000 रुपए का एक सिलेबस खरीद लो, मैं उसमें सारा पढ़ाऊंगा, बिल्कुल वही बेसिक से जैसे ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ ऐसे पूरा मान लिया। चलो अब सब करो, तुमने क्या किया 10,000 रुपए का, पहली बात तो हर किसी का बस की नहीं है, मान लो मिनिमम से मिनिमम जो भी होता है वो एक दो महीने के लिए 2,000 का भी मान लो, 2 या 3,000 का मान लो, चलो एक एवरेज मान लिया, सबसे मिनिमम 2,000 मान लिया। तुमने क्या करा, 2,000 रुपए का सिलेबस लिया, ठीक है। अब मैंने एक एवरेज मान लो मैंने 100 रुपया कमाया, किसने, अकेडमी ने, ठीक है, अकेडमी ने 100 रुपया कमाया, अकेडमी उसमें से मुझे क्या करेगी, 20 रुपया देगी, कितना देगी सर, 20 रुपया, या ज्यादा ज्यादा चलो मान लो कितना दे दिया, 50 रुपया दे दिया, 50 रुपया वो किसके पास रखेगी, अपने पास। क्या ऐसा कर सकती है कोई भी दुनिया में कोई भी कि 150 रुपया मुझे दे दे और 100 रुपया मैं उसे कमा के दूं, ऐसा हो सकता है, अपनी तरफ से दे देगी अपनी जेब से, नहीं। अगर मैं 100 रुपया कमा के दूंगा तब वो मुझे मैक्सिमम 50 रुपया देगी, तो इससे अच्छा, अगर इसका मतलब तो ये हो गया कि मैं उनको कमा के मेहनत करके उनको दे रहा हूं, उससे अच्छा तो ये होगा कि मैं 2,000 रुपए का कोर्स ना करके जब 50 ही मुझे मिलना है तो ये 50 उनको जो जाना था मैं ये बच्चों को ही ना दे दूंगा, तो मैं 50 की जगह 999 रुपए का ही कोर्स ना कर दूं। अगर मुझे 50 ही मिलना है तो डायरेक्ट मुझे ही मिल जाएगा, उनको क्यों देना, समझ रहे हो ना बात को, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसा तो है नहीं कि अपनी जेब से पैसा निकाल के तुम्हें दे देगी। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, तुम बच्चे हो तुम्हें नहीं पता, लेकिन सोचो दिमाग से, एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ऐसा नहीं होता कि 150 रुपए वो मेरी जेब में डाल दे, मैं तुमसे 100 रुपए कमा के उन्हें दे दूं, बोला भाई 50 तू हमारी तरफ से भी ले ले, फिर उसको मेरे से फायदा क्या होगा, कंपनी को कुछ नहीं, 100 रुपए वो मुझसे लेगी, 50 वो मुझे देगी, 50 अपनी जेब में, कहां से आया पैसा, बच्चों का, वो पैसा उसको क्यों दूं भाई, सोचने वाली बात है, क्या उनके पास पैसे की कमी है, खा के मरेंगे क्या कहीं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रही है वो कंपनी, तो उसको पैसे की कमी है क्या, तो उस पैसे को वहां ना देके, अब मैं अगर मेरे को कभी कोर्स पेड ही करना हुआ तो वो पैसा मैं तुमसे तुम्हें ही ना हाफ कर दूंगा यार, मैं बोलूंगा बच्चों ये 4,000 का ना करके 2,000 का कर लो, 50% का कम करके इस पैसे का बच्चों को फायदा हो जाएगा, तो सीधा कोर्स मैं ही ना कर दूंगा या कोई भी व्हाटएवर। इसलिए मैं किसी भी एकेडमी से नहीं जुड़ा, क्योंकि एक बात मुझे पता थी कि मैं किसी से भी जुड़ूंगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो मेरे से अर्न करेंगे और मैं कहां से अर्न करूंगा, बच्चों से, ऐसे। बट ऐसे ना लेके आप क्यों आ जा रहे हो, आप सीधा हटाओ ना थर्ड पार्टी, आप सीधा डायरेक्ट ऐसे आ जाओ बस। तो इसीलिए कभी मत कहना कि उससे जुड़ जाओ या उससे जुड़ जाओ, मैं कह रहा हूं अच्छे है भैया, जिनको अच्छा है वो ठीक है, वो मेहनत कर रहे हैं, सब अच्छे हैं अपना वहां पे, बट मेरा कॉन्सेप्ट तो मुझे नहीं कहता कि मैं इतना महंगा करके और वहां डायरेक्ट दे दूं। मैं तो कह रहा हूं अगर इनकेस मेरे को कभी मुसीबत आई, मेरे को खाने को रोटी नहीं मिली, तो मैं तुमसे हाथ जोड़ के ना कह दूंगा बच्चों ये कोर्स खरीद लो और डायरेक्ट हम आपस में ही कॉन्टेक्ट, मैं आपसे ही पेमेंट ले लेता हूं और मैं आपसे पढ़ाऊंगा। सोचो, मेरी सोच थोड़ी सी अलग है, हो सकती है गलत लगे, लेकिन मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि मैं क्यों खामा खा की, इसलिए कि बस मेरा मैं जुड़ जाऊंगा, मैं क्या जरूरत है मेरे को नाम की, मेरे लिए तो तुम हो ना, तुम ही भगवान हो, बात खत्म, बताओ। नाम की जरूरत किसी से भी जुड़ के उसको होती है जिसके पास लोग ना हो, मेरे पास तो आप लोग हो और आप ही मेरे भगवान हो, बात खत्म, क्यों मैं किसी को भगवान बनाऊं, बेकार की बात। दे आर गुड एट देयर प्लेस, करोड़ों रुपए अरबे रुपए है उनके पास, फंडिंग आती है बढ़िया वाली, तो क्या जरूरत है
क्यों किसी को वो करना? बताओ मेरी बात में अगर 1% भी गलत हो, या कोई ये कह दे कि नहीं सर तुम उन्हें 100 रुपए दो और वो तुम्हें 200 देंगे वापस, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। बताओ गलत है, तुम बोल दो, मुंह पे बोल दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, हाथ जोड़ लूंगा, बस बात कर। लेकिन इसलिए मैं कभी, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बहुत बच्चे बार बार उठाते हैं कि सर वहां जुड़ जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, वहां पहुंच जाऊं, यही कर दो। हाँ बस वही तो मैं कह रहा हूं भाई, जिस दिन मुझे लगेगा कि भाई मेरे पास खाने के लिए रोटियां नहीं बची हैं या कुछ नहीं बचा, उस दिन मैं हाथ जोड़ के तुम ही से ना बोलूंगा बच्चों मैं डायरेक्ट कोर्स ला रहा हूं, मेरा कोर्स खरीद लो बस। क्यों किसी के साथ तुम्हारा भी नुकसान और मैं भी मेहनत करके दूसरे को दूं? सैड का मतलब बच्चों बताओ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो स्पीच भी किस में होगा? पास्ट में। तो बेटा विल का पास्ट क्या हो जाएगा? वुड, मीट। और देखो मेरे साथ अगर तुम लोग हो तो किसी की जरूरत नहीं है, बात खत्म बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूं। बाकी अगर तुम लोगों को यही है कि पेड कोर्स या ऐसा कुछ, तो मैं इस बारे में रॉबिन सर से डिस्कस करूंगा, बाकी देखेंगे जो होगा। लेकिन अभी इस मुद्दे पे कोई टॉपिक नहीं, अभी चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है, चलने दो ऐसे ही। टोल्ड का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? पास्ट में है। और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो स्पीच भी किसमें होगा? पास्ट में होगा। हैज का हैड। नेक्स्ट अगला, अभिजीत आस्क्ड मी। लो भाई सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है? आस्क्ड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो स्पीच भी किस में होगा? पास्ट में। तो नो का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू। ये रहा सेम सेम कॉन्सेप्ट। चलो अब मैं इसको, आप बताओ सर आप अपना ऐप बना लो। देखो भाई मैं एक बात बोलूंगा, ज्यादा बड़ी बात तो बोलूंगा नहीं, एक छोटी सी बात बोलूंगा, लेकिन इस बात को चाहे मेरी रख लेना, जिस दिन कभी ऐसा होगा मुझे उस दिन बता देना। मैं अगर कभी भी मेरा पेड कोर्स आया ना, कभी भी, पहले तो मैंने कंडीशन बता दी, दूसरा कभी भी मेरा पेड कोर्स आया ना, एक चीज का ध्यान रख लेना कि जितने भी पेड कोर्स अभी तक आए होंगे सबसे यूनिक होगा, अलग हटके होगा। क्या होगा वो मैं बता नहीं सकता क्योंकि कुछ चीजें रिवील नहीं की जा सकती, लेकिन ये जरूर है कि जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन एक बात जरूर समझ में आ जाएगी कि हाँ ये कुछ ऐसा है जो अभी तक, और ऐसा फ्लेवर तैयार करूंगा मैं उसका कि आई कांट जस्ट एक्सप्लेन यू गाइस, वो टाइम बताएगा क्या, ठीक है? क्योंकि मुझे हमेशा चीजें यूनिक करने की आदत है, जो सेम कंडीशन चलती आई है मैं उन पर काम नहीं करता। तो क्या पता ऐसा हो कि कभी अगर हम कर, जब भी बात हो या जब भी आपके सामने आए तो बिल्कुल एक ऐसा यूनिक मेथड होगा, यू विल फील लाइक कि हाँ यार, ठीक है, बस इतना मैं विश्वास दे सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। आस्क्ड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट है तो स्पीच क्या होगा? पास्ट। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। विश्वा केम। केम का मतलब कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। बाइसिकल पे आया, अच्छा बाइसिकल के लिए प्रीपोजिशन ध्यान रखना ऑन, ऑन बाइसिकल, और पैदल के लिए एनडीए में आई थी ऑन फुट। इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से आया ताकि वो समय से पहुंच सके, लेकिन वो कब आया? पास्ट में। तो रिपोर्टिंग वो पास्ट है तो स्पीच भी क्या होगा? मे का पास्ट, माइट। In order that is equal to so that, दोनों का एक ही काम है। लो भाई imaginary action का concept है, कौन बच्चा इस concept को सबसे पहले बताएगा उसी का comment box में नाम लूंगा। Imaginary action का concept आ गया,
मैं नाम ले रहा हूं कमेंट बॉक्स में, देखता हूं कि कौन पकड़ेगा सबसे पहले। बताओ भाई, एक बात तो है, जब से हमने मैराथन लेनी स्टार्ट करी है, मैराथन की तो भूख तैयार कर दी है। 11 घंटे पे सुना अब। चलिए, तो इसका आंसर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया कि जो उसने रियलाइज किया दैट इट वाज अ लॉन्ग वे। सेकंड सब्जेक्ट प्लस वुड और मॉडल के बाद वुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, तो आई वुड हैव टेकन। सर रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो सकती है क्या? ना मेरे बच्चे, ना, रिपोर्टेड स्पीच से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं हो सकती। रिपोर्टिंग वर्ब से क्या चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच। यहां जाओ 83 में, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल, स्ट्रेंजर ने उस छोटी सी गुड़िया से, लड़की से पूछा कि उसका, अब रिपोर्टिंग वर्ब फिर से क्या हो गई? पास्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? पास्ट। अबे चला दे भाई तू, अच्छा तुम दंड बैठक लगा लो थोड़ी सी, मुझे पढ़ा के यहाँ गर्मी लग रही है और तुम्हें ठंड लग रही है, थोड़ी सी बैठे बैठे दंड मारो बैठ के। हाँ, दंड मारोगे तुरंत गर्मी आ जाएगी। द टीचर रिमार्क्ड दैट, रिमार्क का मतलब क्या है? पास्ट। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट। अब ये रिमार्क उसने किया है, नहीं किया था, तो कोई भी टीचर रिमार्क बाद में ही तो देगा, पहले काम पूरा हो जाएगा फिर उस पे वो रिमार्क देगा, और रिमार्क दिया पास्ट में तो काम उससे भी पहले, तो हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैड। नेक्स्ट, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट 10 AM यस्टरडे, ट्रेन कब आने वाली थी? 10 बजे। कब? कल। और कल आने वाली थी तो क्या हो जाएगा? वॉज। ये हो गया तुम्हारा कंडीशनल सेंटेंस। हिंट मैंने दे दिया, सर सिर्फ 100 क्वेश्चंस कराना। चलो 100 पे पहुंचो तो सही, पहले 100 कर लो, चलो आ जाओ। इफ कंजेक्शन मिल गया, कंजेक्शन वाले में ही कंडीशन होती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं आपके, कंजेक्शन वाले में ही कंडीशन है। कंडीशन के लिए क्या हट जाएगा? विल, फ्यूचर हट जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, हिमांगी वॉशेस मतलब धोती है अपने सारे कपड़े और कुक करती है फूड को फैमिली के लिए ऑफिस जाने से पहले, तो ये काम तो उसका कैसा है? रूटीन का है, ये काम तो रूटीन में होता है, तो यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां भी क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिफोर शी गोज, नेक्स्ट, राकेश बाबू जो कि रह रहे हैं इस कस्बे में, कब से रह रहे हैं? 1955 से। टाइम दे दिया, और टाइम दे दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जगह क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, लो भाई इमेजिनरी एक्शन का कॉन्सेप्ट है। इमेजिनरी एक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कि सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? हैड। इफ से तो स्टार्ट ही नहीं किया, इन्वर्जन फॉर्म बना रखी है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही फॉलोड द डायरेक्शन। अगर उसने डायरेक्शन को फॉलो किया होता, अगर उसने डायरेक्शन को फॉलो किया होता तो ये इमेजिनरी एक्शन है। और इधर देख लो, सब्जेक्ट टू वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वो सही चल रहा है। Once he realized, realized कौन से टेंस में किया उसने? जब उसने रियलाइज कर लिया that he had committed mistake, कि उससे गलती हो गई थी,
तो उसने इस बात को क्या किया, एडमिट किया। तो कब रियलाइज किया उसने, पास्ट में, तभी उसने करेक्ट किया होगा। और अगर तभी करेक्ट किया होगा तो एडमिट का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एडमिटेड। नेक्स्ट, इमेजिनरी एक्शन वाला है। अब बताओ जरा, इस क्वेश्चन में मैं एक वर्ड नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि इमेजिनरी एक्शन है, ढूंढ लो कहां गलती है। अगर तुमने ये ढूंढ लिया, मेरा दिल खुश हो जाएगा कि भाई आज मेहनत की मैंने आपके साथ और आपको आ गया चीजें समझ में। चलो भाई, मुझे कमेंट में ईमानदारी से बताना किस किसने सही किया है। मैंने बताया था इफ वाले क्लॉज में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड, तो कंजेक्शन वाले में हेड प्लस V3 लगेगा, उसने चालाकी से ये क्लॉज आगे दे दिया, यहां से कंडीशन स्टार्ट हुई है। तो यहां से इफ प्लस सब्जेक्ट के बाद यहां आएगा हेड, तो इफ ही हैड नॉट, और नहीं ये तो वुड के अकॉर्डिंग है लगाना है, मॉडल परफेक्ट बनने के लिए। तो इफ ही हैड नॉट हर्ड, थर्ड फॉर्म तो दे रखी है, तो बस ये हो जाएगा इफ ही हैड नॉट हर्ड द न्यूज, अगर उसने खबर ना सुनी होती तो ही वुड नॉट हैव रिटन दिस लेटर, तो उसने ये लेटर ना लिखा होता। ये है, किसने ईमानदारी से ये किया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि किसने ये पकड़ ली थी फटाफट। जिसने ये बात पकड़ ली थी समझ लो कि आज उसने वास्तव में मेहनत की है और उसे सीखा है चीजों को। ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी एक्शन, ढूंढ के बताओ कहां गलती है। देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 सही चल रहा है ये तो बिल्कुल। कुछ बच्चे पता क्या बोलेंगे, रटने वाले एकदम से, सुन लो मैं समझ गया क्योंकि मन में एकदम डाउट आएगा, सर लास्ट प्लस टाइम के साथ तो आपने पास्ट इंडेफिनिट बताया था। वो यहां पर हेड हटाने की कोशिश करेंगे, रटने वाले का खेल है ये। और मैं वो टीचर हूं जो मैं समझ जाता हूं कि ये डाउट भी कहां आने वाला, इसीलिए ऑनलाइन में मैं जनरली बच्चों से, आप लोगों से कनेक्ट हो जाता हूं, क्योंकि मुझे ये पता होता है कई बार माइंड में आपके क्या चलने वाला और आपको लगता है कि हाँ यार सर ये आने वाला था। लास्ट प्लस टाइम, कई बच्चे रटेंगे, सर आपने बताया था पास्ट इंडेफिनिट, बेटा अनरियल सेंटेंस है ये, यहां वो रूल काम नहीं करेगा, ये रियल नहीं है, ये अनरियल है, अनरियल में यहां काम नहीं करेगा वो आपका कॉन्सेप्ट, तो इसीलिए इसको ठोक देना है। ये तो सही है बिल्कुल यहां पर। तो आपकी गलती कहां है, विल हैव की जगह वुड हैव, अनरियल में वुड लगता है विल की जगह। अब बताओ ये डाउट आता कि नहीं आता, पक्का आपके कुछ टाइम बाद जरूर आता है ये डाउट दिमाग में। हाँ बिल्कुल, चलो, एज सून एज, जैसे ही प्रिंसिपल ने एंटर किया क्लास में, सॉरी स्कूल में, सारे स्टूडेंट जो हैं पहुंचे वहां पर, ये भी पास्ट में, और उन्हें जाके क्या किया, रिपोर्ट, तो रिपोर्ट भी तो उसी समय क्या होगा, क्योंकि एज सून एज जैसे ही एंटर किया वैसे ही जाके रिपोर्ट किया, तो वैसे ही दोनों सेम टेंस में होंगे, सेम टेंस में होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, दोनों का पास्ट इंडेफिनिट आएगा। She said that she did not went. Did के साथ कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, went की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, go. तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट था did का। ये रुको जरा, 95 को अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले ये बताओ, क्योंकि 95 वाले में मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिकली सिखाना पड़ेगा आपको, तो उसे भी पिक्चर बना के बताऊंगा। I do not know, सबसे पहला क्वेश्चन में बताया था मैंने कि WH वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में हो तो वो इंटरोगेटिव
सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, ये असर्टिव सेंटेंस है। अगर यहां से स्टार्ट होता तब आप कर सकते थे। आंसर सही बताना इसका, अगर आपने सही कर दिया तो मुझे लगेगा आज की मेहनत सफल हो गई हमारी। देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका आंसर सही देगा। बेटा डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हेल्पिंग वर्ब लगती तो इंटरोगेटिव नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर पहले, इसके पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया ही। तो या ये भी गलत, ये भी गलत। अब प्रेजेंट में है तो आंसर क्या होगा? लिव्स। बी इसका आंसर है। कमेंट में बताओ किस किस ने पकड़ लिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, जल्दी से लिख के बताओ किस किस का क्लियर हो गया। लो एगो पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट मतलब कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म में क्या, अब बताओ बी लगाऊं या सी लगाऊं? बी, मैंने पकड़ लिया था। गुड, वेरी गुड, सही था। बताओ कौन सा? हेड, कान के नीचे मार दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगती है, हेड विजिट नहीं होगा। अभी तो बताया था सेकंड फॉर्म विजिटेड। लो सेम कॉन्सेप्ट पे है। इन 2010 का मतलब कौन सा टेंस हो गया? पास्ट का टाइम। और पास्ट में टाइम मिलते ही कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या हटाना पड़ेगा? हैज, हेल्पिंग वर्ब हटती, सीधा कौन सी वर्ब बचेगी? मेन वर्ब। दिस इज द इजिएस्ट जॉब। ये अभी तक की सबसे आसान नौकरी है जो मुझे अभी तक मिली है। तो हैज हैव के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म? प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहता? थर्ड फॉर्म। और गेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। एंड इट्स ऑल अबाउट सेंचुरी नाउ। सिंस का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने कि तब से लेकर अब तक, तो सिंस वाले क्लॉज में कौन सा टेंस आता था? पास्ट इंडेफिनिट। और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। तो जब से मैं एक बच्चा था तब से लेकर, बच्चा कब था वो? पास्ट में। तो एम का क्या हो जाएगा? वॉज। और तब से लेकर, तो तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन बचा है आपका, ये वाला, इसका आंसर बताओ कौन सा बैठेगा। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा कर सुनो कि, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे कैसे जोड़ दिया। सुनो, यहां पर सिंथेसिस है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट पर, ये क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को समझ में आ पाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का और फ्यूचर इंडेफिनिट का। सर कैसे बन गया ये सिंथेसिस कैसे जुड़ेगा? ध्यान से सुनना। सपोज करो उसने कहा मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है, हमेशा मतलब पीछे से लेकर अब तक, और आगे भी करता रहूंगा। तो जब से जन्म मेरा स्टार्ट हुआ होगा, जब से मैंने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक आगे भी करता रहूंगा। यहां से लेकर, क्योंकि पीछे से लेकर तो यहां तक आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, और यहां से आगे कौन सा टेंस? फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसमें दो एक्शन जुड़े होते हैं, एक तो लेकर आएगा पीछे से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट, और एक उठा के चलेगा यहां से लेकर आगे तक। तो प्रेजेंट परफेक्ट जुड़ेगा किससे? फ्यूचर इंडेफिनिट से। जैसे मैंने कहा मैंने हमेशा तेरा साथ दिया और आगे भी दूंगा, तो हमेशा दिया मतलब पीछे से लेकर अब तक और यहां से आगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट का सिंथेसिस फ्यूचर इंडेफिनिट से। देखो मैंने ऑल माय लाइफ का मतलब है, ऑल माय लाइफ मतलब मैं कहूं पूरी जिंदगी, तो जब से स्टार्ट हुआ होगा तब से लेकर और आगे भी करेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इसका आंसर क्या होगा? हैव हेल्प। दिस इज द सिंथेसिस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो जवानों कैसी रही आपकी क्लास? अच्छा इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें लगभग 20-25 क्वेश्चन और है प्रैक्टिस के लिए, आप उन्हें प्रैक्टिस करना, मैं उसकी आंसर की डलवा दूंगा, ठीक है।
क्योंकि कुछ क्वेश्चन सब मैंने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है, तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस भी करो, वो भी जरूरी है। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल का नाम है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो जरूर ज्वाइन कर लें, कैडेट्स डिफेंस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिलेगी। अब आप जाके रिविजन करिएगा, होपफुली आपका टेंस अब बिल्कुल दर्द दूर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए इतना रिवीजन करिएगा, बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी। और मंडे को, जैसा आपको पता है, मंडे को हम मिसलिनियस वोकैब फिलअप्स ये सारा प्रैक्टिस करेंगे, प्लस मिसलिनियस क्वेश्चंस, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब जब हमें मौका मिलेगा चैप्टर्स को उड़ाएंगे, और जब जब रेगुलर क्लास होगी तब तब मिसलिनियस और वोकैब वो बहुत जरूरी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है, मार्क्स भी लाने हैं, ठीक। तो बस यहीं तक रखते हैं, कैसी रही आज की क्लास, कैसे रहे कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या नया आपने सीखा? देखिए, आपके कमेंट्स किसी भी टीचर को, स्पेशली टीचर लाइक मी, ये मोटिवेशन देते हैं कि हम क्या पकड़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, और कितना हमने मेहनत किया तो कैसा वो स्टूडेंट्स को लगा। फिर एक टीचर जो है स्पेशली मेरे जैसा, वो और मेहनत करता है, तभी मजा आता है चीजों में। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर ये चीज हमने नई सीखी, या ये कॉन्सेप्ट हमने नया सीखा, या मजा आया, या जैसा भी लगा वो जरूर लिखिएगा, ठीक है। नई क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, नमस्कार, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलेंगे आपसे जब भी, सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।